हरे कृष्णा। तो आज के सत्र में आपका स्वागत है। हम दूसरे स्कंद से, दूसरे अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, और इस दूसरे अध्याय में हृदय में भगवान ऐसे प्रभुपद ने शीर्षक दिया। तो इसमें हमने दो श्लोकों की चर्चा की। तो आज मैं श्लोक संख्या 15 तक, 14 या 15 तक चर्चा पूरा करना चाहता हूँ। तो इस दूसरे अध्याय में हम पहले अध्याय के विषय के विषय से क्रम प्राप्त जो भी विचार है उसको आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या कोई बताना चाहेगा कि पहले श्लोक में ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृजन शक्ति प्राप्त हुई, इस श्लोक का यहाँ पे क्या प्रयोजन है? वो क्यों बोला गया है वो श्लोक यहाँ पर? पहला श्लोक, हम लोग अष्टांग योग की बात कर रहे थे और उसमें अशुद्ध चित्त योगी आदि की बात कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में दूसरे स्कंध में पहला श्लोक ब्रह्मा जी का बात करता है कि ब्रह्मा जी ने भी कैसे सृजन शक्ति प्राप्त की। तो क्या संबंध है टॉपिक का यहाँ? कौन बताना चाहे? सुखवारी ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमने पहले उसमें जब पढ़ रहे थे कि जो है विराज रूप पे जो है कोई ध्यान लगाता है तो वो जो है उसका साध्य होता है और उसका साधन बनता है कि अंतर्यामी धारणा, और उस अंतर्यामी धारणा को बाद में जो कालांतर में जो है वो साध्य साधन बन जाता है, फिर साध्य हो जाता है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन जो उसमें जो उसको सृष्टि वो जो उसको सिद्धियां प्राप्त होती है धारणा के स्टेज पर, तो वैसे ही बता रहे हैं कि वो उसका अनुषांगिक फल जो है सिद्धियां है, वैसे ही अनुषांगिक फल जो है सृजन की शक्ति भी है जो ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई है। और ब्रह्मा जी दो रीजन से जो है ये करते हैं ऐसा कि जो है, या एक तो वो इसका विराट रूप का जो है वो मतलब ग्लोरिफिकेशन करना चाहते हैं, या फिर दूसरा ये बताते हैं आचार्य लोग कि जो है ऐसा करने से जो है वो ये बताना चाहते हैं कि जो उनकी विस्मरण हो गया था जीव का, जो क्योंकि वो भी जीव तत्व है, तो विस्मरण को वापस लाने के लिए जो है वो विराज रूप की धारणा जो है वो उससे रिलेट करते हैं। ठीक है, ठीक। तो क्या यस, तो सही है, ये विराट रूप धारणा का अवान्तर फल बोला गया है इस श्लोक में। यस, तो क्या ये फिर सृजन शक्ति हरेक को प्राप्त होती है वैसे योगियों को? नहीं, हरेक योगी को ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं होती है। सभी का जो है वो मतलब वो जीव तत्व है, परंतु वो बहुत ही एक्सट्रीम क्वालिटी के हायर रेंज वाले जीव तत्व है जी, भगवान का थोड़ा सा अवतार अंश है उनमें, गुणावतार है वो। तो इसलिए ब्रह्मा जी को इस धारणा से सृजन शक्ति प्राप्त हुई, ऐसा इस विराट धारणा का, वैराज धारणा का गुणगान हो। तो वही बात है कि जैसे सिद्धियों आदि के द्वारा सिद्धियां आदि फल प्राप्त होता है विराज धारणा से, वैसे यहाँ पे भी ब्रह्मा को प्राप्त हुआ फल भी बताया गया है, वैराज धारणा का अवान्तर फल बोला गया। ठीक है, ओके। अच्छा, उसके बाद अभी 2 से लेके 7 श्लोकों में वैराग्य जो है उसकी बात हुई है। तो क्या ये क्यों विषय आ रहा है यहाँ पर वैराग्य पर? दूसरे श्लोक से हमने देखा कि कर्म मार्ग आदि का निंदा करके वैराग्य की बात हो रही है, तो क्या क्यों ऐसा है, ये विषय क्यों आ रहा है? विजय केशव प्रभु। प्रभु जी, ये जो निम्न स्तर के लोग हैं उनके लिए वैराग्य रूप वैराग्य ऊपर ध्यान करने का प्रयोजन बताया गया है, लेकिन जिसको परमात्मा स्तर पर आना है उसके लिए इंद्रियति या वैराग्य आना जरूरी है। इंद्रियति नहीं होना, वैराग्य आना जरूरी है, इसलिए ये बताया गया है, मतलब ब्रह्म स्तर से आगे बढ़ने के लिए, विराट रूप से आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, थोड़ा और कोई अच्छे से? पुरुषोत्तम हरिप्रो। प्रभु जी,
यहाँ पे बताया गया कि जब असेंबली में परीक्षित महाराज जहाँ पे बैठे थे वहां पे असेंबली में बहुत सारे कर्म योगी भी बैठे थे वहां पे, और जब वो प्रश्न पूछा गया परीक्षित महाराज ने कि अंत समय में क्या करना चाहिए, तो वहां पे कर्मी इसको लगा कि स्वर्ग में जाना ये सबसे बेस्ट उत्तम कार्य है और इसलिए कर्मयोग करना चाहिए। तो उसका उसका खंडन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने ये श्लोक बोला है कि इवन ज्ञानी भी अगर सिद्धि प्राप्त किया तो फिर उसका भी आगे उसका प्रोग्रेस नहीं होगा, तो फिर व्हाट अबाउट कर्म योगी दोस जो जस्ट वांट टू सीट इन द दो वांट टू गो टू हेवनली प्लैनेट, सो वो तो कुछ पॉसिबल ही नहीं ऐसा है। ठीक है, बहुत अच्छे है। हां ठीक है, यस। तो ये प्रयोजन है एक इस सेक्शन का यहां पर लाने कि क्योंकि कुछ 800 लोग ऐसे थे जो कर्म मार्ग की कर्म मार्ग का वहां पर वर्णन करना चाहिए, वो कर्म मार्ग ही प्रियमानस्य जीवस्य पुरुषस्य कर्तव्यम, ऐसे करके मरते हुए व्यक्ति का ये कर्तव्य है, ऐसा विचार था। उस विचार का खंडन कर रहे सुखदेव गोस्वामी, योगी है जो पिछला, ज्ञानी नहीं योगी, आपने बोलते हुए ज्ञानी शब्द प्रयोग किया, योगी एक्चुअली वो वैराग्य धारणा वाला योगी है, उसको जो सिद्धियां मिलती है वो भी हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर, या सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं उन सिद्धियों से भी उसने गुमराह नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये कर्म मार्ग तो उसकी तो क्या बात करें, वो तो और भी नीचे है। हम लोग तो कह रहे हैं अष्टांग योगी जो वैराज धारणा करता है, उस वैराज धारणा से भी उसको कुछ भोग ऐश्वर्य सिद्धि आदि मिलती है, तो उससे उसने विमोहित नहीं होना है। तो फिर कर्म मार्ग तो उसके नीचे है, तो इसलिए उस कर्म मार्ग का तो निश्चित ही खंडन होना चाहिए। ऐसे करके वहां पे कर्म मार्ग का खंडन हो रहा है, ये वैराग्य जो है वो उसका गुणगान कर रहे हैं। ये योगी हो भक्त हो सबके लिए ये कॉमन फैक्टर है कि भौतिक भोगों से व्यक्ति को उससे दूर हटना चाहिए, भौतिक भोग जो है उसकी इच्छा नहीं होनी चाहिए, और कर्मयोग मतलब सकाम कर्मयोग, कर्मकांड का मार्ग तो पूरा भौतिक भोगों का ही है। तो इसलिए उस मार्ग का यहाँ पर खंडन करते हुए वैराग्य जो है उसका प्रतिपादन किया जा रहा है, ये बात है। तो जिस वैराग्य धारणा की उपासना फल से भी विरक्त रहने के लिए कहा है, तो फिर कर्मकांड की तो बात ही क्या, जिसमें प्रयोजन ही होता है कि इंद्रिय विषय इंद्रिय भोग जो है वो। तो ये बात है, श्रीधर स्वामी ने भी कहा था वैराग्यार्थम सर्वम कर्म फलम निंदति, वैराग्य के प्रयोजन से समस्त कर्म फल की भी निंदा करते हैं सुखदेव यहाँ पर। कर्म फल मतलब सकाम कर्म कर्मकांड का फल, ऐसे तो ये प्रयोजन है। ये प्रयोजन जो है अच्छे से याद रखते जाइए, अच्छे से नोट कीजिए सारे ही, क्योंकि फिर आपको कितना हद तक समझा है वो वही डिसाइड करता है कि विषय क्या समझा है आप। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अभी। तो अभी देखिए 2 से लेके 7 श्लोकों में यही विषय है, 2 से लेके 7वें श्लोक तक यही विषय है कि कैसे ये जो कर्म है उसके फल की निंदा हो रही है, सकाम कर्म के मार्ग की निंदा हो रही है, और उसकी तुलना में भक्ति का गुणगान हो रहा है। तो ये 2 से लेके 7 तक विचार चलेगा। ठीक है, तो देखिए 3रा श्लोक। अतः कबीर नाम सुयावदर्थ स्याद प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि सिद्धेन यथार्थे न यते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमानः। ठीक है, अनुवाद पढ़िए कृष्ण नाम प्रभु। अतएव प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए, उसे बुद्धिमत्ता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह इससे व्यावहारिक रूप से यह अनुभव करने में सक्षम होता है कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। ठीक है, तो ऐसी बात है। पिछले श्लोक में कहा था कि शब्दस्य ब्रह्मणा एष पंथा, भाई शब्द ब्रह्म का वैदिक कर्मकांड का तो यही मार्ग है कि जिसमें व्यक्ति की बुद्धि धीगी अपार्थ नाम भी ध्यायति, व्यर्थ की चीजों से उसकी
बुद्धि मोहित हो जाती है। व्यर्थ की चीजें मतलब स्वर्ग आदि उसकी बातें होती है सिर्फ, लेकिन वो कोई बहुत सनातन सुख देने वाले स्थान नहीं है, क्योंकि परिभ्रमण तत्र न विंदते। हालांकि कोई व्यक्ति उसे प्राप्त भी कर ले, भोगादि साधन इस जगत में क्यों ना हो, या फिर इसके आगे स्वर्ग में क्यों ना हो, उन सारी जगह पे जाके या उन उन भोगों को प्राप्त करके भी न विंदते अर्थान, ऐसा व्यक्ति जो है वास्तविक एक निरवध्य सुख जो है उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। मायामय वासनाया शयान, केवल बस उस भौतिक देहों में वासना की वजह से अलग अलग भौतिक देहों में सोता हुआ, सोता हुआ मतलब अलग अलग देहों को प्राप्त करता हुआ जीव जो है वो वास्तविक सुख नहीं प्राप्त करता। तो इसीलिए अतः कभी ही नामसु यावद अर्थ स्यादत प्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि। तो इसलिए देखो कवि व्यक्ति जो है ना बुद्धिमान, कवि मतलब बुद्धिमान, तो उसने ये जो केवल नामों का जंजाल है, शब्दों का जंजाल जो है, ये नामसु, नामसु मतलब इन दिस जगलरी ऑफ नेम्स, इस सारे नामों के जंजाल में क्या नाम, कैसे नाम, स्वर्ग, स्वर्ग अक्सरा, भोग, कांचन, ये वो ये, इसको नाम कहा गया है। तो कवि बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे इस नामों के जंजाल में यावद अर्थस्याद, जितना जरूरी है जिससे अपना उदर निर्वाह हो जाए, यावद अर्थ उतना ही करना चाहिए। कवि व्यक्ति ने यावद अर्थ बनना चाहिए। यावद अर्थ मतलब अरे भाई मुझे शरीर और आत्मा जो है एक साथ रखने के लिए कितना जरूरी है, उतना मैं स्वीकार करता हूं, उतना शारीरिक जो भी जरूरतें है, मानसिक जरूरतें है, संसाधन चाहिए, उतना स्वीकार करो जिससे मेरा मृत्यु ना हो जाए, मतलब शरीर और आत्मा एक साथ रहे बस, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर प्रॉपर लाइक दैट। तो यावद अर्थ स्यात् अप्रमत्तो व्यवसाय बुद्धि, तो ऐसा व्यक्ति अप्रमत्त कहा गया है, या व्यवसाय बुद्धि, जिसका जो बुद्धि है ना एकदम निश्चित रूप से केवल उसके आत्म साक्षात्कार पर ही लगी हुई है, व्यवसाय बुद्धि। तो ये बात कही जा रही है प्रमत्त नहीं होना चाहिए। प्रमत्त मतलब क्या, इंद्रिय भोग के लिए ये सारे वर्णन सुन के कर्मकांड आदि के भाग रहा है इंद्रिय भोग के पीछे, अलग 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 अनुष्ठान करके, या फिर आज की घड़ी में तो अनुष्ठान वगैरह भी नहीं होते, ऐसे ही विकर्म के मार्ग के द्वारा जो इंद्रिय विषय के लिए दौड़ रहा है, बस इसी चीजों में धनम जनम ये सारी चीजों में ही फंसा हुआ है। तो ऐसा नहीं अप्रमत्त। तो देखो प्रमत्त और अप्रमत्त ऐसे दो है। तो जो प्रमत्त है वो भाग रहा है कर्म फल के पीछे, और जो अप्रमत्त है वो कैसा है, व्यवसाय बुद्धि, उसकी बुद्धि में व्यवसाय है, एकदम सुनिश्चित एक ध्येय है, सुनिश्चित प्रयोजन है, क्या कि मुझे आत्म साक्षात्कार करना है, मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो इसलिए वो यावद अर्थ होता है, इस जगत में ज्यादा कुछ संसाधन और बहुत कुछ बड़ा एम्पायर बनाने के पीछे नहीं लगता। सिद्धे न्यथार्थे न यते तो तत्र, और अगर वो जितना जरूरी है ना, बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, देखिए उसको केयरफुली समझिए, यावद अर्थ जितना जरूरी है उतना उसने स्वीकारना चाहिए, और वो भी अगर अन्यथा सिद्धे अन्यथा अर्थ है, वो जो जितना जरूरी उदर निर्वाह है वो भी अगर आराम से कैसे हो जाता है तो फिर उसमें भी प्रयास नहीं करना चाहिए, ऐसे कहा है। यावद अर्थ, पहले तो इतनी बात बोले कि जितना जरूरी उतना ही, और वो भी मानो किसी के पास ठीक है कुछ पूर्वजों ने दिया हुआ है बहुत सारा धन है, तो उसमें फिर ज्यादा उसके लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए, वो बस उसको प्रयोग उसको उपयोग करके आत्म साक्षात्कार के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दे दे। ऐसे सिद्धे अन्यथा, वो यावद अर्थ है उसमें भी अगर परिश्रम ना करना पड़े,
तो अगर वो अर्थ ऐसा सिद्ध हो गया सहज रूप से वो भी मिल जा रहा है, तो देखिए सन्यासी के लिए तो वो सहज रूप से मिलना, इसको अगले श्लोक में कहेंगे वो, मतलब वो बोलेंगे कि भाई रस्ते पे कपड़े पड़े नहीं है क्या, उठा लो, या फिर चिराने किम पथे न संति दिशंति भिक्षाम, या फिर पेड़ जो है कोई भिक्षा नहीं दे रहे क्या, फल नहीं दे रहे, फल आदि पेड़ देते हैं, तो खास करके वो तो रिनाउंस ऑर्डर के लिए है, सन्यासी के लिए, लेकिन गृहस्थ आश्रम के लिए भी बात यह है कि पहले तो आप यावद अर्थ बनिए, जितना जरूरी है उतना ही व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए, भागवत का भी वही सिद्धांत है क्या नहीं, क्या है वो, लाभो जीवे थ यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नाथो यश्चेह कर्म, इस प्रकार से। तो वहां पर भागवत भी वही बोलता है दूसरे अध्याय में पहले स्कंध की, व्यक्ति ने कैसे जीना चाहिए, कामस्य न इंद्रिय प्रीति, काम का प्रयोजन इंद्रिय प्रीति नहीं है एक्चुअली, काम उतना स्वीकार करना चाहिए, काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति, तो वो जो भी कोई इच्छाएं भोजन आदि सारी इच्छाएं, तो उतना ही काम स्वीकार करना चाहिए जिससे इंद्रिय प्रीति, इंद्रियों का तर्पण नहीं बल्कि लाभो जीवे तयावता, व्यक्ति जी जाए, व्यक्ति उससे जीवित रह सकता है, उतना काम स्वीकार करना चाहिए। तो यही बात बोली जा रही है यहां पर भी, यावद अर्थ, क्यों, क्योंकि हमारे पास समय बचा के हमें करना क्या है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, भाई जीव का जीवन का जो प्रयोजन है वो तो तत्व जिज्ञासा है ना, अगर हम सारे बड़े बड़े संसाधन जुटाने में ही समय गंवा दे तो फिर तत्व जिज्ञासा के लिए कहां समय बचेगा, समय नहीं बचेगा। तो वही मुद्दा यहाँ पे भी कह रहे, व्यवसाय बुद्धि जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर सुचारू रूप से स्थित है ना, व्यवसाय है उसका, व्यवसाय मतलब फोकस, तो जिसका एकदम पूरा पूरा उसी पे ध्यान है, तो ऐसा व्यक्ति यावद अर्थ जीता है, और वो भी अगर सिद्धे अन्यथा अर्थे, वो भी अगर अन्यथा रूप से सहज रूप से सिद्ध हो जाए जितना जरूरी है, फिर तो उसके लिए भी प्रयास नहीं करेगा, न यते तत्र, क्यों, परिश्रमम तत्र समीक्षमान, क्योंकि वो उस चीज में परिश्रम को देखता है, ये जो परिश्रम है इस इंद्रिय भोग के साधन जुटाने में, उस परिश्रम को अच्छे से देखता हुआ, समीक्षमान उसकी समीक्षा करता हुआ, वो न यते तत्र, उसमें यतन नहीं करता, ऐसी बात बोली गई यहाँ, ठीक है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, एवं योग प्रसंगे एव कर्मिणां मतम अति बहिरंगत्वेन स्पष्टम एव विनिंद्य, इस प्रकार से हालांकि ये प्रसंग चल रहा है अष्टांग योग, योग प्रसंग चल रहा है, अष्टांग योग के प्रसंग में भी कर्मियों का मत जो है यहाँ पर, सकाम कर्मियों का मत अति बहिरंगत्वेन स्पष्टम एव विनिंद्य, उसको एकदम ही अति बहिरंग माना है, मतलब वो एकदम ही बाह्य है, वो कुछ आंतरिक लाभ नहीं देने वाला, एकदम बाह्य है वो, इट इज एक्सटर्नल कंप्लीट, आंतरिक लाभ उससे कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे उस कर्मियों का मत जो है, पिछले श्लोक में बोला ना वो भागता रहता है सब इन चीजों के प्रति, लेकिन उसको प्राप्त करने के बाद भी उसको सुख नहीं मिलता, यही जगत का स्वभाव है ना, है कि नहीं, व्यक्ति कुछ भौतिक संसाधन के लिए जीवन भर प्रयास करता है, ड्रीम हर एक लोगों का सपना रहता है, ड्रीम कंपनी, ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी, ड्रीम वाइफ, ड्रीम हस्बैंड, सब कुछ ऐसा स्वप्न रहता है एक, लेकिन वो चीजें वो प्राप्त भी कर लेता है, तो ऐसे नहीं कि फिर वो व्यक्ति जीवन में बस उसको लगता है कि बस मैं सिद्ध हो गया, मेरी जीवन की परम सिद्धि हो गई, तो अभी लाइफ में दूसरे स्ट्रगल्स बने रहते हैं, वो भौतिक जगत का स्वभाव है कि भौतिक सुख जितना प्रॉमिस करता है ना उतना देता नहीं है एक्चुअली, उसमें क्या है, ओवर प्रॉमिस और अंडर डिलीवरी है, ये प्रॉब्लम है भौतिक सुख में, तो इसीलिए ऐसा जो कर्म फल का, कर्म का सुख है, भोग
जो कर्मा मार्ग में बोले है उसको स्पष्टमेव विनिंद्य, उसकी सीधे सीधे निंदा करके कर्म फलेषु वैराग्यम, कर्म फल में वैराग्य की सुखदेव बात कर रहे हैं। इसके लिए भक्त ज्ञानिनो हो अपि, देखो अगर आप में से किसी को लग रहा है अरे वैराग्य की बातें हो रही है, शायद ये केवल अष्टांग योगी के लिए है या ज्ञानी के लिए है, अरे भाई ऐसे नहीं, ये तो भक्त के लिए है और ज्ञानी के लिए, दोनों के लिए। भक्त ज्ञानिनो हो अपि, भक्त के लिए भी और ज्ञानी के लिए भी ये वैराग्य बोला गया है। यहाँ साधारणम योगारूढ़ा नाम अवश्य कर्तव्य कर्तव्यत्व माह, तो ये साधारण वैराग्य दोनों मार्ग में जरूरी है, भक्त मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो। ज्ञान मतलब यहाँ पे ज्ञान जो है वो योग मार्ग के द्वारा प्रैक्टिस कर रहा है, वो ज्ञान कहा गया है इसको क्योंकि उसका गोल जो है वो नेचुरली ब्रह्म है ऐसे, लेकिन एक्चुअली मार्ग जो है अष्टांग योग का देखा जाए तो। भक्त हो, ज्ञानी हो, योगी हो, सबके लिए अवश्य कर्तव्य वैराग्य जो है उसको यहाँ पे बोला गया है कर्म फल में, ये बात है। देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती कोट करते, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवे तयाव, इस न्याय के मतलब इस श्लोक के अनुसार ही भोग्य वस्तुषु नामसु, मतलब क्या भोग्य वस्तुषु, जो भोग्य कर्मकांड के लोग कहते हैं ना ये भोग्य है, उसमें आपने उतना ही स्वीकार करना है जितना यावता अर्थे न देह निर्वाह। देखिए जिससे देह निर्वाह हो जाए ना उतना ही अर्थ स्वीकार करना चाहिए, यावद अर्थ। क्यों भाई ऐसे क्यों? क्योंकि ये व्यक्ति अप्रमत्त है ना, हाँ ये जो इस प्रकार का भाव रखता है वो अप्रमत्त है, सावधान है, वो सावधान है, वो समझता है अगर मैं इंद्रिय भोग के संसाधन जुटाने में लग जाऊं तो मेरा सारा जीवन निकल जाएगा, तो भी मेरा मन जो है वो तृप्ति प्राप्त नहीं करेगा, समस्त जीवन चला गया उसका बेचारे का इंद्रिय भोग के साधन जुटाने में, तो भी उसका मन भरा नहीं, तो भी उसके परिवार वाले खुश नहीं, तो भी उसके समाज वाले खुश नहीं, और चाहिए। उसके बेटे बोल रहे अरे क्या दिया पिता ने हमको, जाते हो कुछ भी नहीं दिया ऐसे, या फिर उसका मन स्वयं का, उसकी इंद्रियां, ये स्वभाव है एक्चुअली इंद्रिय भोग, वो कभी प्रसन्न नहीं करेगा जिंदगी भर। कामादिनाम पति न कथिधा पालिता दुर्निदेशा तेषाम जाता मई न कृपा नोप शांति, न करुणा न कृपा नोप शांति। एक वैष्णव ने प्रार्थना की है, रूप गोस्वामी ने इसको चैतन्य चरितार्थ में भी आता है श्लोक, काम आदि नाम कति न कथिधा, काम आदि इन सारे षड रिपों का मैंने इतना सेवा की उनकी, लेकिन ये कभी प्रसन्न नहीं होने वाले, कभी नहीं, न करुणा, उनमें कोई करुणा ही नहीं मेरे लिए, कितने भी काम की सेवा कर रहे वो कभी तृप्ति नहीं होता, कितने भी लोभ की सेवा करे वो कभी तृप्ति नहीं होता, क्रोध कितना भी आप उससे विनाश करें वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो इसलिए इन छह षड रूपों को उसने, वो जो भक्त प्रार्थना कर रहा है उसने उनको क्या कहा है कि ये बड़े ही बुरे स्वामी हैं मेरे, मैं इनके ही दुर्निदेशा, इनके ही बुरे आदेश अब तक सुनता रहा, लेकिन ये ऐसे स्वामी है कि ये छह स्वामी कि इनकी ना मेरे ऊपर कभी करुणा हुई, ना इनको कोई शर्म है कि अरे इसने अपनी सेवा की अपनी, हाँ इससे खुश हो जाओ थोड़ा, कुछ करुणा नहीं, तृपा नहीं, मतलब लज्जा नहीं, नोप शांति, और वो कभी प्रसन्न भी नहीं हुए ये कामादिक शत्रु जो है। तो इसलिए वो कहता है भक्ति उत्सृच्य एतान अथ यदुपते सांप्रतम लब्ध बुद्धि, हे श्री कृष्ण यदुपते आज मुझे बुद्धि प्राप्त हुई है, सांप्रतम लब्ध बुद्धि, और मैं इन सब छह षड्रुपियों को छोड़ के आपके चरणों में आया हूँ श्री कृष्ण, आज तक मैंने ये छह स्वामियों की सेवा की, बस अभी मैं श्री कृष्ण आपको ही स्वामी करके स्वीकार करता हूँ, उत्सृज्य एतान इन सब को त्याग करके मैं आपके चरणों में आ रहा हूँ। त्वम आयातः शरणम अभयम माम नियुंक्ष्वात्म दास्ये, हे श्री कृष्ण त्वम आयातः मैं आपके चरणों में आया हूँ,
नियुंश्व आत्मदास से, बस मैंने बहुत सेवा कर दी इन षड्रूपों की, अभी नहीं मैं आत्मदास से नियुंश्व, आप मुझे अपने दास्य में नियुक्त कर दीजिए भगवान, ये बात है। तो ये अप्रमत्त है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो है सावधान है, वो नहीं जाना देना चाहता अपना समय पूरा पूरा भौतिक संसाधन जुटाने में। तो इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ा सुंदर अनुवाद किया है अप्रमत्त का, स्व साधन सिद्धो, वो अपने साधन आत्म साक्षात्कार का जो अपना साधन है तो उस साधन के प्रति बड़ा सजग है, सावधान है वो व्यक्ति, बहुत जागरूक है उसके प्रति, ये बात है। ऐसे ही प्रमत्त है, बस तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन्ति न पश्यति, अप्रमत्त पूरी जिंदगी बेकार कर दी सिर्फ संसाधन जुटाने में, कुछ आत्म साक्षात्कार के प्रति कुछ प्रगति नहीं, कुछ नहीं, बस एकदम ये सावधान व्यक्ति। किंच विघ्न बाहुल्य दर्शने की स्वयोगात न परावर्ते, इनफैक्ट वो तो सिर्फ सावधान अप्रमत्त नहीं है, वो तो व्यवसाय बुद्धि भी है, मतलब कितने भी विघ्न आने दीजिए उसके मार्ग में, भक्ति के मार्ग में या उसके अष्टांग योग के मार्ग में, विघ्न बाहुल्य दर्शने की वो कभी भी अपने योग से परावर्तित नहीं होगा। विघ्न बाहुल्य भी, कितना भी विघ्नों की बहुलता प्रचुरता हो, ऐसा व्यक्ति अपने भक्ति मार्ग से, अगर भक्ति की बात करते हैं तो वो अपनी साधना से, अपने जो कमिटमेंट ली है उसने, गुरु को वचन दिया है, उससे हटेगा नहीं कभी, ये बात है। ये अर्थ है व्यवसाय बुद्धि का। देखो व्यवसाय बुद्धि विश्वनाथ क्या कहते हैं, यद भवेत तद भवतु, अरे जो होना है होने दो, मया तो यन निश्चितम, मैंने जो निश्चित किया है तद निश्चितम एव, वो निश्चित ही निश्चित, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, जो होना है होने दो। निंदन तो जना क्या हो, कुलशेखर महाराज भी कहते हैं, अरे ये दुनिया वाले निंदा करे, मेरे तथाकथित गुरुजन मेरे मेरी निंदा करे, आलोचना करे, लेकिन तथापि परमानंदो गोविंदो मम जीवन, तो भी मैं भगवान श्री गोविंद को ही अपना जीवन करके स्वीकार। तो वैसा ये व्यवसाय बुद्धि है, वो जो होना है हो दो, होने दो, लेकिन मैं अपने जो मैंने निश्चय किया है मेरे जीवन में, श्री श्री राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है, उससे मैं कभी भी हटूंगा नहीं, ये दृढ़ विचार है उसका। आने दीजिए विघ्न, आने आते ही है विघ्न, लेकिन उस विघ्न के विघ्नों के आने पर भी वो कृष्ण की ओर आगे ही बढ़ना चाहता है, जैसे कुंती महारानी भी प्रार्थना करती है, मई त्वयि मे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत गंगे वोघम उदनवती, वो कहती है कि ऐसे मेरी चेतना जो है वो आपकी ओर बढ़े, अद्धा सीधे सीधे ऐसी बढ़े जैसे गंगे वोघम उदनवती, गंगा का ओघ जो है उदनवत मतलब समुद्र की ओर बढ़ता है ऐसे। तो ऐसा ये व्यक्ति है व्यवसाय बुद्धि, ऐसा व्यवसाय उसको अष्टांग योग में भी करना पड़ता है, नहीं तो ऐसे नहीं अष्टांग योग में बैठ गया और बीच में विचार आ गया कि अरे थोड़ा सा पैसा और रख देना चाहिए था, शायद कम पड़ गया, तो चला उठ के अष्टांग योग आता हूँ भाई लोग बाद में आते अष्टांग योग करने, ऐसा नहीं होता। वो विघ्न बाहुल्य दर्शने की स्वयोगात्मा परावर, ये बात है। तो ये दृढ़ विचार जो है वो जरूरी है, भक्त हो अष्टांग योग्य हो कोई कोई, श्लोक में बोला गया। इनफैक्ट किंच इतना ही नहीं, यावद अर्थता कस्यचित अति सुकुमार से वह उक्ता, देखो ये विश्वनाथ चक्रवर्ती का बड़ा अनोखा तात्पर्य है यहाँ। वो बोलते वो जो यावद अर्थता बोली है ना कि जितना जरूरी है उतना स्वीकारना, वो यावद अर्थता भी कोई अति सुकुमार व्यक्ति के लिए ही बोली है। अगर आप अति सुकुमार नहीं हो ना तो फिर तो आपने बहुत कुछ उदर निर्वाह के लिए भी बड़े बड़े प्रयास करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। आप थोड़ा बहुत कुछ भोजन मिल जाए, थोड़ी लेटने के लिए कुछ जगह मिल जाए, बस खुश रहो उससे। अति सुकुमार व्यक्ति को ठीक है भाई थोड़ा सा चाहिए उसको, प्रॉपर जरूरत जैसे है उसको अच्छा भोजन की व्यवस्था चाहिए, अच्छे से शयन की
व्यवस्था चाहिए, उसको अच्छे से शायद यातायात के साधन चाहिए, तो उसको विश्वनाथ चक्रवर्ती ने अति सुकुमार कहा है। ऐसे व्यक्ति को, बड़ा सुकुमार व्यक्ति है क्योंकि तपस्या नहीं कर सकता, ये मुद्दा है। तो उसके लिए वो यावद अर्थता बोलिए, ठीक है जितना जरूरी है ले लो, नो प्रॉब्लम, जितना आपके शरीर मन के अनुसार जरूरी है उतना स्वीकार करना चाहिए। तो भक्तों के जीवन में भी हम ऐसे ही समझ रखते हैं कि देखिए हर एक का साइकोफिजिकल नेचर है, उसके अनुसार व्यक्ति ने कौन से आश्रम में रहना चाहिए और कितने हद तक उसको भौतिक संसाधन चाहिए वो डिपेंड्स। हाँ उसमें उसने ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक ब्लैंकेट चीज, ब्लैंकेट मतलब मैं कह रहा हूँ एक फ्लैट चीज सबके लिए बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है किसी व्यक्ति के जीवन में जो भौतिक संसाधन है उसकी एक लेवल तक जरूरत है, किसी और जो है थोड़ा सत्वगुण में उसको ज्यादा जरूरत नहीं, वो सिंपल रह सकता है। कोई वैसा नहीं है थोड़ा रजोगुण में है और थोड़ा उसका मन मानसिक शारीरिक जो रचना है वो इस प्रकार से उसको जरूरत है उन चीजों की, तो उससे वो भक्ति में थोड़ा सा शांत हो जाएगा, भक्ति करने के लिए थोड़ी शांति हो जाएगी। देखो इसमें गुण होते हैं, गुणों के आधार पे व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर। तो अगर कोई बहुत रजोगुणी व्यक्ति है ना, तो उस व्यक्ति को स्वभावतः थोड़े संसाधन जीवन में ज्यादा स्तर के जरूरी होते हैं। कोई सत्वगुणी है तो वो थोड़े कम संसाधन में भी प्रसन्न रह सकता है। और तमोगुणी व्यक्ति, उसको तो कुछ संसाधन उसको समझते नहीं, कुछ भी हो तो पागल जैसा ही रहे। तो यहाँ पे मुद्दा यह है कि यावद अर्थता, जिसको जितना जरूरी है ना, जैसे ऊपर ईशोपनिषद में भी कहा है कि जो हम लोग देखते हैं कि जिसका जितना कोटा हो उसके अनुसार व्यक्ति ने जी लेना चाहिए और उसके अनुसार उसको स्वीकार करके फिर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। तो इसलिए कंपैरिजन मोड में नहीं जाना चाहिए कि भाई हमारी कम्युनिटी का एक स्टैंडर्ड है कि हर एक जन जो है कार में कौन सी कार रखता है, तो कार में प्रभु हर एक जन क्रेटा या फिर यू नो इनोवा हाई एंड ये स्टैंडर्ड है हमारी कम्युनिटी का, ऐसा नहीं होता है। वो तो हर एक के किस प्रकार का उसका साइकोफिजिकल नेचर है, वो कैसे गुण लेके आया उस पर होता है। तो इसलिए यावद अर्थता अलग अलग व्यक्ति के लिए बदलती है। हमें दुनिया को देख के ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, अरे इसके पास 4 BHK है तो मेरे पास क्या है, ये स्टूडियो फ्लैट है बस 1 HK, ये नहीं है। हर एक का अपना अपना जिस प्रकार की उसकी मानसिक वृत्ति है उसके अनुसार गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार उसने जीना चाहिए, ना तो देखो पागल हो जाएगा वो। क्योंकि अगर आप यू नो आपके पास यू नो स्कूटर है और किसी के पास कोई बड़ी गाड़ी है लैम्बोर्गिनी और आप दोनों को कंपेयर करोगे तो बड़ी कठिनाई हो जाएगी, है नहीं? तो मुद्दा यह है कि हर एक को यावद अर्थता। तो ये जो यावद अर्थता है ना, ये भी अति सुकुमारस्य एव उक्ता, जिसको जरूरी है जितना उतना विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उसने ग्रहण करना चाहिए, बाकी नहीं। तो यावद अर्थता मतलब प्रिंसिपल यही है कि कैसे हो कि जिससे कम से कम परिश्रम से मैं जी जाऊं और ताकि मैं अपना जो ध्यान है अपना जो समय है वो किसके लिए उपयोग करूं, ब्लैंकेट ओढ़ के सो जाने के लिए नहीं, ताकि मैं समय बचा के जो आत्म साक्षात्कार है उसके लिए समय दू। हाँ श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम ये सब करना है कि नहीं करना है, तो करना है ना, तो फिर उसके लिए समय देना है, ये बात है। तो इसलिए ये यावद अर्थता भी विश्वनाथ कहते हैं कि अति सुकुमार के लिए ही बोली गई है, न तो स्वतः समर्थस्य। कोई अगर समर्थ है वैराग्य कर सकता है पालन, फिर तो बहुत बढ़िया। तो देखिए मैं ये जब प्रिंसिपल समझा रहा हूं ना, इसको हरेक आश्रम में हर कोई अपने अपने हिसाब से उसको प्रिंसिपल को डिटेल्स के रूप में समझ लेना चाहिए, उसके लिए गाइडेंस चाहिए। तो उसका गाइडेंस जो भी वरिष्ठ है, काउंसलर है, शिक्षा गुरु है, उनसे ले सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल बड़ा क्लियर होना चाहिए। प्रिंसिपल में गड़बड़ हो गई ना, तो फिर हमारी जिंदगी जो है कुछ व्यर्थ की चीजों को जुटाने में चली जाएगी, ऐसे है। तो यही बात है यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य आश्रम का एक अलग स्टैंडर्ड रहता है, उसकी सारी जो सारा का सारा उसका जो सामान है एक लॉकर में आ जाता है,
सब कुछ बैठ जाता है एक लॉकर में, आप आएंगे तो देखेंगे एक लॉकर में सब कुछ है उसका उधर, और फिर ज्यादा बुक्स वगैरह हो सकती है तो थोड़ी अलग हो, सामान एक लॉकर में आ जाए। लेकिन अगर आप किसी गृहस्थ व्यक्ति को बोलोगे ब्रो जी ये एक लॉकर आपके लिए, तो वो तो गलत है, वो ठीक नहीं है, इट्स नॉट करेक्ट, वो यावदर्थता नहीं हुई। तो वहां पे जरूरत है अलग है, वहां पे तो परिवार है, वहां पे उस व्यक्ति की अलग जरूरत है, तो उसके अनुसार उसको वो जो स्वतंत्रता है वो देनी चाहिए। लेकिन उसमें मुद्दा यह है कि यस लोभ नहीं, यावदर्थता, लाभो जीवे तयावत, क्योंकि हमें जीवस्य तत्व जिज्ञासा, हमको भाई तत्व जिज्ञासा के लिए, भक्तों की सेवा के लिए, शास्त्र पठन के लिए, जप के लिए समय देना है हमको, ये बात है। अन्यथा प्रकारांतेन अर्थे स्वदय निर्वादे सिद्धे सति तत्र पिष्टपेश न्यायेन नयति। तो अगर वो कहते हैं कि कोई समर्थ है, पूरा वैराग्य वाला है, तो फिर उसको अगर स्वदेह निर्वाह जो है बहुत सरल तरीके से उसका सिद्ध हो जाता है, तो फिर तो उसने ज्यादा प्रयास भी नहीं करना। चलो ठीक है, आप मतलब जैसे ये ट्रेडिशनल सन्यासी होता है, तो भोजन बनाने के लिए कुछ उसको प्रयास करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भोजन बनाने का प्रयास के लिए कुछ जो प्रयास जरूरी है वो यावदर्थता हुई। लेकिन मानिए ये समर्थ व्यक्ति है, ये तो केवल फल पे जी लेता है, तो फिर तो उतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए चूल्हा वगैरह जमाने का, और जिससे भिक्षा आदि अन्न लेके आके भिक्षा के आधार पे, तो स्पेशली तो खास करके ये तो ट्रेडिशनल एस्पेक्ट हुई है, आज की घड़ी में थोड़ा सा अलग है, कलयुग में उस प्रकार का वैराग्य, उस प्रकार का ये दिख भी नहीं पाता, क्योंकि सारा ही कलयुग में हम लोग देखते हैं कि शरीर की शक्ति भी कम हो गई है, मन का संयम कम हो गया है, मन का व्यवसाय निश्चित धारणा कम हो गई है, तो इसलिए वैराग्य आदि के मार्ग में हो या गृहस्थाश्रम में भी हो, फैक्टर्स जो है थोड़े से कंसेशन दिया गया है उसमें, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रिंसिपल बड़ा क्लियर है, यावदर्थता से जीना चाहिए व्यक्ति, ये बात है। तो यही बात कही है, अन्यथा अर्थे, अगर सहज रूप से वो निर्वाह हो जाता है तो फिर वो सोचता है कि मैं फिर वो जो यावदर्थता है जितना जरूरी है उसके लिए क्यों ज्यादा प्रयास करूं, पिष्टपेशन हो गया वो, तो जो पीसा हुआ है उसको पीसना, और भी अगर आटा ऑलरेडी पीसा हुआ है तो और क्यों पीसते बैठ रहे, पिष्टपेशन न्याय के ऐसे। तो ये बात है, क्यों, क्योंकि उस यत्न में परिश्रम है भाई, अगर आप उदर निर्वाह और शरीर को अच्छे से क्या कहते हैं, हमेशा ही शरीर को बहुत सुख, शरीर जो है उसको सुखी ही रखना चाहते हो, तो फिर उसमें परिश्रम होता है, उसमें फिर समय देना पड़ता है, उसके लिए धन चाहिए, फिर परिश्रम आएगा, धनिक जन उपासनादिकम, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते फिर धनिक जनों को जाके उनकी उपासना करनी पड़ती है। बहुत अगर आपने जरूरतें बढ़ा दी आश्रम हो या गृहस्थ आश्रम हो, तो फिर धनिक जन उपासनादिकम हो जाता है, फिर हमें धनिक लोगों के पास जाके उनसे बहुत जो भी है भीख आदि मांगनी पड़ती है, या फिर इवन मतलब दोनों आश्रम में, ऐसे नहीं बोल रहा कि केवल ब्रह्मचारी या सन्यासी या गृहस्थ आश्रम में भी, फिर उस व्यक्ति को बहुत काम करना पड़ता है, किसी के नीचे रगड़ रगड़ के काम करवा के लेते हैं, फिर वो 18-18, 20-20 घंटे कुछ नहीं कर सकता बेचारा, चुपचाप उसको काम करना पड़ता है, ये बात है। तो इस चीज को कहा जा रहा है कि इस प्रकार से जीवन जो है, प्रचार एक और तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ ये यावदर्थता का भी प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा समय जो है वो बहुत चला जाएगा उन चीजों में जो चीजें जरूरी नहीं थी, ये बात यहाँ पर बोली है। तो देखिए प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्यों में काफी जोर दिया है इस वैराग्य विषय पर, क्योंकि प्रभुपाद जी की भी ये थीम बड़ी कई बार प्रभुपाद जी को बहुत अच्छी लगती थी ये थीम वैराग्य आदि, तो इसलिए प्रभुपाद जी भी बहुत इसको कड़े शब्दों में लिखते हैं। देखिए, जो लोग भौतिक सम्यता की भ्रामक प्रगति से मोहित है वे निश्चय ही मंद बुद्धि मतलब प्रमत्त है, यह समस्त भौतिक सृष्टि केवल नामों का भ्रमजाल है। क्या शब्द है श्लोक में नामों का भ्रमजाल के लिए,
जिस कृष्ण नाम पर वो बताएंगे क्या लोक में क्या शब्द है नामों का भ्रम जाओ नामसु नामसु ठीक है। तो कवि व्यक्ति को बुद्धिमान व्यक्ति को इस नामों के भ्रम जाल में नहीं फंसना चाहिए। क्या है ये नाम इमारतें साज सामग्री कारे बंगले नीले फैक्ट्रियां उद्योग शांति युद्ध परमाणु शक्ति ये सब कुछ। तो इसके लिए व्यक्ति पद कहते हैं कि इस जैसी भौतिक विज्ञान की सर्वोच्च सिद्धियां भौतिक तत्व तथा तीनों गुणों की मिली जुली प्रतिक्रिया के मोहक नाम के अतिरिक्त और कुछ नहीं। क्या है ये एक्चुअली जो तीन गुण है उन तीन गुणों के विकार है ये बस अलग अलग नाम दिए गए उसको ये बात है लेकिन क्योंकि भगवान का भक्त इन्हें अच्छी तरह जानता है अतएव वह ऐसी परिस्थिति के लिए अवांछित वस्तुओं को सृजित करने में रुचि नहीं लेता जो बिल्कुल भी वास्तविक नहीं बल्कि जो सिर्फ माया जाल है जिनका महत्व समुद्र की तरंगों के बुलबुलों से अधिक नहीं। समुद्र की तरंगों पर कुछ बुलबुले आते हैं लेकिन तो वो कितने समय तक रहते हैं थोड़े समय रहते हैं वैसे है ये प्रभुपाद पीछे भी इस बात के लिए बात को कहे थे। तो इसलिए हमें समझ लेना चाहिए कि किस चीज के लिए समय देना। मनुष्य जीवन कभी भी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। श्रीमद् भागवत में आदि से अंत तक इसी विषय का उपदेश मिलता है। जो सभ्यता इस सर्वाधिक पूर्णता को लक्ष्य बनाती है मतलब आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को वह अवांछित वस्तुओं में लिप्त नहीं होती और ऐसी पूर्ण सभ्यता मनुष्यों को जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करने के या बुरे व्यवहार का सर्वोत्तम उपयोग करने के सिद्धांत का पालन देते तैयार करती है। बुरे व्यवहार का सर्वोत्तम उपयोग बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन प्रभुपाद जी की फ्रेज है वो कई बार यूज करते बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन मतलब क्या यावद अर्थ था जितनी जीवन की आवश्यकताएं उतना स्वीकार कीजिए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं स्वीकार करनी ताकि फिर आप जो है आत्म साक्षात्कार के लिए समय दे पाए ये बात है। यहां देखिए सभ्यता का भौतिकतावादी विकास असुरों की सभ्यता कहलाता है जिसका अंत युद्ध तथा अभाव में होता है। यहां पर अध्यात्मवादी को मन से स्थिर होने के लिए कहा है व्यवसाय बुद्धि जिससे यदि सादा जीवन तथा उच्च विचार में कठिनाई का अनुभव भी हो तो अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं दिखे। कौन सी चीज कही है ये कौन सा शब्द है ये अपने दृढ़ संकल्प से बिल्कुल भी नहीं दिखे श्लोक में व्यवसाय बुद्धि सही बात है एकदम विश्वनाथ चक्रवर्ती ने ऐसे ही अनुवाद किया था ना यद भवतु तद भवेत अरे जो होना है होने दो जो मैंने निश्चित किया है जीवन का गोल जीवन का ध्येय मैं उससे ही डट के रहूंगा बाकी लोग कुछ नहीं कुछ भी कहने दो। विश्व के इंद्रिय तृप्तिकर्ताओं के घनिष्ठ संपर्क में आना अध्यात्मवादी के लिए एक आत्मघाती नीति क्योंकि इस नीति से जीवन का परम लक्ष्य ही विफल हो जाएगा। तो देखो ये मुद्दा है ठीक है। तो ये अन्यथा सिद्धि जो है ना वो अभी अगले श्लोक में बोली है वो बोले थे ना कि अगर यावद अर्थता जितना जरूरी है वो भी अन्यथा सिद्ध हो जाए सरल रूप से सिद्ध हो जाए तो उतना भी प्रयास नहीं करना। तो वो क्या है अन्यथा सिद्धि अगले श्लोक में बोली है खास करके वैराग्य आश्रम वाले लोगों के लिए सन्यासियों के लिए गृहस्थ के लिए हो सकता है ये लागू ना पड़े लेकिन खास करके सन्यासियों के लिए यहाँ पे बोल सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासे बाहो स्वसिद्धे हुपवर्धनै किम सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्र्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै ठीक है। श्वेता माता जी अनुवाद पढ़िए। यस प्रभुजी हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। के लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चारपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी बाह का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिए की क्या आवश्यकता है जब मनुष्य अपनी हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों की क्या आवश्यकता है जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। तो देखिए
वो एक स्टैंडर्ड बता रहे सुखदेव जो है वो। हो सकता है स्टैंडर्ड पे आज की घड़ी में कोई भी वैरागी भी ना जी पाए, लेकिन ये स्टैंडर्ड है एक्चुअली। हाँ, तो उस स्टैंडर्ड बता के वो एक वैराग्य में व्यक्ति जो है भक्ति के लिए वैराग्य। हाँ, देखिए ये शुष्क वैराग्य की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। आप जानिए सुखदेव जो बात कर रहे हैं इसमें केवल ऐसा नहीं कि भाई शुष्क वैरागी उसको वो बस बहुत सारी तपस्या करता है लेकिन उसको भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, वैष्णव की निंदा करता है, ऐसा वैराग तो फिर फालतू है, वो कुछ काम कर। तो उससे अच्छा है वैरागी मत रहो और चुपचाप हम्बल भक्त बने रहो। तो हम लोग बात ये जब वैराग्य की कर रहे प्रतिपादन की, ये भक्ति अनुकूल वैराग्य मतलब जिससे कि व्यक्ति भक्ति के लिए बहुत समय प्राप्त करे, भक्ति के लिए उत्साह उसका बना रहे, इस एंगल से सुखदेव जो है बोल रहे हैं। भक्ति हो या फिर अष्टांग योग भी हो, कोई भी, ये सारे मार्ग जो इस प्रकार से। तो भक्ति अनुकूल वैराग्य होना चाहिए, इस चीज को हमेशा याद रखना। कोई एकादशी के दिन उपवास कर रहा है, बिल्कुल भी कुछ खाता नहीं है, निर्जल कर रहा है, और फिर वो निर्जल करके दूसरे जो वैष्णव एक बार भोजन ले रहे है या दो बार ले रहे हैं उनकी निंदा कर रहा है, अरे क्या है ये तुम सब लोग करके फालतू लोग है, तुम में कुछ वैराग्य नहीं, क्या भक्ति करोगे, क्या कृष्ण को प्राप्त करोगे। तो फिर एक्चुअली ऐसा जो बोल रहा है ऐसा दूसरों को तुच्छ ले जो समझ रहा है तो उसका तो वैराग्य बेकार है देखा जाए। उससे तो अच्छा है उसने भी दो बार खा लेना चाहिए और नम्रता से वैष्णव लोगों की स्तुति करनी चाहिए, वैष्णव लोगों की सेवा करनी चाहिए। तो वैराग्य से दूसरों के प्रति तुच्छता का भाव नहीं आना चाहिए, क्रोध आदि नहीं आना चाहिए, वो एक वैराग्य में एक खतरा होता है। चलो रूप गोस्वामी इसको चित्त काठिन्य कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, चित्त काठिन्य, चित्त की कठिनता। तो ये चित्त काठिन्य नहीं होने देना चाहिए। वैराग्य भले ही कोई अपने जीवन में बहुत अच्छा पालन कर रहा है, दूसरे वैष्णव के प्रति बहुत सहृदय होना चाहिए। वो भले ही खुद निर्जल रह सकता हो लेकिन अन्य वैष्णव के लिए सोचना चाहिए उसने कि अरे आज एकादशी है, वैष्णव को ठीक से एक समय तो क्यों ना हो, तो ठीक से प्रसाद जो है वो होना चाहिए, मिलना चाहिए, क्योंकि हर कोई उसको नहीं कर पाएगा। हर एक के शरीर की कुछ क्षमता भी होती है, कोई सुकुमार होता है, कोई थोड़ा सा वैराग्य कर सकता है पालन। तो स्वयं के जीवन में वैराग्य हो लेकिन दूसरों के प्रति सहृदय होना, ये मैच्योरिटी कही, ये उस व्यक्ति में आप समझ सकते हो कि बड़ा प्रगल्भ है भक्ति में, प्रगल्भता है ये बात। तो सुखदेव भी यहाँ पे वैराग्य का प्रतिपादन तो कर रहे हैं लेकिन भक्ति अनुकूल वैराग्य ये बात है। तो प्रैक्टिकली पिछले युगों में सन्यासी आदि वगैरह ऐसे ही जीते थे, ठीक है। सत्याम क्षितो किम कशिपो प्रयासे, सत्याम क्षितो, क्षितो सत्याम, अगर क्षिति हो, सत्याम संस्कृत में ये सती सप्तमी प्रयोग है, सती सप्तमी मतलब ऐसा होने पर, ऐसा अर्थ होता है। क्षितो सत्याम मतलब क्षिति होने पर, पृथ्वी का खंड होने पर, पृथ्वी आपके पास कुछ थोड़ा सा जमीन का टुकड़ा है आपको सोने के लिए जितना चाहिए उतना, तो ऐसी क्षिति होने पर मतलब पृथ्वी का खंड होने पर कशिपो प्रयास से किम, तो फिर बिछाना कोई बहुत गद्दा या अच्छे सुकोमल बिछाने पर कशिपो पर लेटने का प्रयास क्यों करना है। कशिपो आप समझते हैं ना, कशिपो मतलब बिछाना कि जो जिस पे व्यक्ति सोता है गद्दा। तो अगर भूमि का कुछ खंड थोड़ा सा सोने के लिए उपलब्ध हो जाए तो कशिपो के लिए क्यों प्रयास करना है। बाहो स्वसिद्धे ही उपवर्धन है कि अगर व्यक्ति के पास अपने बाहें हैं मतलब अपने हाथ है, उसके दंड है, बाहु है, तो फिर उसको उपवर्हनम मतलब उपवर्हन मतलब गद्दा या तकिया, तकिया बेसिकली उपवर्हन मतलब तकिया, पिलो। सो व्हाट इज द नीड ऑफ द पिलो, अगर उसके पास हाथ है, स्वयं के बाहु है। आपने देखा होगा कई बार लोग बस ऐसे जैसे ऐसे ऐसे करके सो जाते,
बाहो स्वसिद्ध है, वहां पे उसको उपबर्हन मतलब तकिए की जरूरत नहीं। सत्यंजलो किम पुरुधान्य पात्र, और अंजलो सती, आपके पास अंजलि है, अंजलि मतलब आपके, आप समझते हो अंजलि मतलब दोनों हाथों को मिलाकर जो ग्रहण किया जाता है अंजलि, तो अंजलि सतो अंजलि सती, आपके पास जब अंजलि है तो फिर आपको पुरुधा अन्न पात्र, अलग अलग अन्न पात्रों की क्या जरूरत है, अलग अलग प्रकार के अन्न पात्र, मतलब वो कह रहे कि भाई कर पात्री बनो आप, कर ही जिसका पात्र है, सन्यासी ऐसा होता है कर पात्री होता है, वो हाथ में ग्रहण करता है जो मिल जाए, ट्रेडिशनल सन्यासी जो हाथ में है ले लेता है और उतना ग्रहण करता है, करपात्री कहते हैं उसको। तो अन्न पात्री की जगह करपात्री, पुरुधा वो भी अलग अलग अन्न पात्र है कि नहीं, एक बड़ी प्लेट छोटी प्लेट, बड़ा ग्लास छोटा ग्लास, एक स्पून बड़ा स्पून छोटा स्पून, एक डब्बा जिसको ढक्कन है कुछ लेके जाने की, तो दैट इज पुरुधा अन्न पात्र ऐसा। सत्यंजलो किम पुरुधा अन्न पात्र, दिग्बल कला दो सती किम दुकुल, और फिर अगर दिशाएं है और वलकल है तो फिर दुकुल यानी वस्त्रों की क्या जरूरत है, तो फिर वो तो बहुत ही एक्सट्रीम अवधूत स्टैंडर्ड हो गया दिग्वास दिगंबर, लेकिन वलकल भी मानिए कोई दिगंबर भी नहीं है तो भी वलकल, हाँ वलकल पहन लेता है, वृक्षों की खाल से वलकल बनते हैं आप जानते, तो वो वलकल आदि होने के बाद फिर दुकुल वस्त्रों की क्या जरूरत है, इस प्रकार से एक वो अन्यथा सिद्धि बता रहे हैं कि ये सहज रूप से अगर किसी सन्यासी को उपलब्ध हो तो फिर को ऐसे व्यक्ति ने उसके लिए भी यावद अर्थता के लिए भी प्रयास नहीं करना चाहिए, इस प्रकार का वहां पर कहना है उन्होंने। तो बेसिकली यहाँ पे प्रिंसिपल समझ लेना चाहिए कि प्रिंसिपल समझा रहे कि कैसे व्यक्ति ने ज्यादा भौतिक संसाधन जुटाने में प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकली आज की घड़ी में ऐसा कौन जी पाएगा, यहाँ तक कि रिनाउंस क्लास भी हो तो हार्डली ऐसे कोई पालन कर पाएगा, क्योंकि वो कलयुग का ये है कि वो सारे शरीर भी हमारे दुर्बल हो जाते हैं, अति सुकुमार हो जाते हैं, वैसा वैराग्य उस प्रकार का निश्चय अभय भय का अभाव आदि हो सकता है कम हो। और दूसरा एक एंगल यहाँ पे ये भी है कि हम लोग कृष्ण भावनामृत में युक्त वैराग्य की भी बात करते हैं, तो हो सकता है इस प्रकार के वैराग्य से प्रचार आदि के लिए वो पोषक ना हो। एक तो समय था जहां पे इस प्रकार के वैराग्य आदि को लोग बहुत ही सम्मान देते थे, लोग समझते थे कि ये महा विरक्त साधु है और फिर लोग जाके उनसे सुनना चाहते, तो पहले तो आज की घड़ी में ऐसे साधु इस प्रकार के विरक्ति वाला विरला है, लेकिन कोई है भी तो लोग शायद उसको समझे कि अरे ये क्या है ये साधु लोग, इन लोगों को ये शायद जीवन में असफल है, दीज आर फेल्यूर इन लाइफ। समाज के साथ में प्रचार और वैराग्य की चैलेंजेस बदलती जाती है, है कि नहीं। चैतन्य महाप्रभु के समय पे प्रताप रुद्र राजा को मिलना नहीं चाहते थे चैतन्य महाप्रभु, बराबर है, क्योंकि उसको मिलना यानी महाप्रभु ने सोचा कि समाज क्या कहेगा। आज की घड़ी में आप राजा को मिलते हो तो समाज को लगता है काम का सन्यासी है, नहीं तो बेकार है कर, है कि नहीं। यूएस प्रेसिडेंट से अगर कोई सन्यासी मिलेंगे तो सब लोग बोलते अरे महाराज भी यूएस प्रेसिडेंट को मिले तो लगता है बड़े महाराज है। तो राजा जैसे उस काल में होता था, आज राष्ट्र के अध्यक्ष हो, तो आज की परिभाषा भी बदल गई ना, सन्यास या माननीय वैरागी लोगों के प्रति वो कितने भौतिक सफल है उससे भी लोग जज करते हैं, और फिर प्रचार के लिए वो पोषक हो जाता है कि अरे देखो ये सन्यासी तो बहुत बड़े लगते हैं स्वामी जी। सोशल मीडिया के आज के जमाने में तो आप ये चीजें और भी समझते हैं, कोई सोशल मीडिया में नहीं है या कोई बड़े बड़े व्यक्तियों को मिल नहीं रहा तो उनको लगता है कि भाई ये साधु को ज्यादा कुछ लाइफ में जमा नहीं लगता है, ये बेचारा कहीं से आया। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि
ये भी बातें है कि टाइम प्लेस देशकाल पात्र के अनुसार भी प्रचार की चैलेंजेस बदलती है, तो उसके अनुसार भी वो भी एक फैक्टर ग्रहण करना चाहिए। इसलिए युक्त वैराग्य का प्रिंसिपल भी रूप गोस्वामी ने समझाया हुआ है। हाँ, लेकिन बात इतनी उसमें यही है जरूरी कि वैराग्य व्यक्ति के हृदय में होना चाहिए, तभी युक्त वैराग्य जो है वो ठीक से काम करेगा। अगर वैराग्य ही नहीं है तो फिर वो युक्त वैराग्य नहीं, वो केवल एक ऊपरी ऊपरी हो जाता है। वास्तविक व्यक्ति हो सकता है उसी से आसक्ति हो जाए, संसाधनों से या फिर कुछ जो भी चीजें है, सुविधा है। ओके, यदि हम पशुओं के सामान्य जीवन का अध्ययन करें तो देखेंगे कि उनमें बड़े बड़े घर, फर्नीचर तथा घर के अन्य साज सामग्री बनाने की बुद्धि नहीं है, फिर भी वे खुली भूमि में लेटकर स्वस्थ जीवन बिताते हैं। तो प्रभुपाद जी पशुओं के साथ मनुष्य के जीवन की तुलना कर रहे हैं, तो इससे क्या अर्थ है कि क्या भाई हम लोग तो पशुओं की तरह रह गया फिर खुली भूमि में लेटकर और फिर भोजन पकाना नहीं चाहते? नहीं, देखिए प्रभुपाद स्वयं कह रहे हैं उसी चीज, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि मानव सभ्यता पलटकर पशु जीवन व्यतीत करने लगे या मनुष्य नग्न होकर जंगलों में विचरने लगे और संस्कृति शिक्षा तथा नैतिकता की भावना से विहीन हो जाए, वो मुद्दा है ही नहीं। पशुओं के साथ मानव समाज के जीवन की तुलना करके प्रभुपाद जी इतना ही समझाना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए मनुष्यों को। देखिए बुद्धिमान मनुष्य कभी पशु जीवन नहीं बिता सकता, अभी तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि का उपयोग कला तथा विज्ञान, कविता तथा दर्शन में करे, ये मुद्दा है प्रभुपाद जी। इस प्रकार वह मानवीय सभ्यता को आगे बढ़ा सकता, मतलब उसने वो जो यावदर्थता है कम से कम प्रयास जीवन के साधन के लिए करना ये सीखकर उसने अपना जो ध्यान है वो शास्त्र पर, विज्ञान पर, विज्ञान मतलब अध्यात्म आदि के ऊपर उसने केंद्रित कर देना चाहिए, ये बात है। ये विज्ञान, कविता तथा दर्शन प्रभुपाद जी ने जनरल इसके लिए कहा है, काव्य शास्त्र विनोदेन, ऐसे कहते हैं संस्कृत में भी सुभाषित है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमता, जो धीमत होते हैं बुद्धिमान लोग होते हैं उनका काव्य शास्त्र विनोद इसमें वो समय व्यतीत करते हैं। तो काव्य यानी कविता, शास्त्र मतलब दर्शन, विनोद विज्ञान, कविता सारा बेसिकली उसी प्रकार से बोला गया है यहाँ पर ऐसे। तो ये मुद्दा है जनरल सेंस में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। देखिए आगे, श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी राज्य के उच्च पदस्थ मंत्री थे, लेकिन वे अपने पीछे दिव्य ज्ञान विषय प्रबोध ग्रंथ छोड़ गए, जबकि वे किसी भी वृक्ष के नीचे केवल एक रात बिताते, वे किसी एक वृक्ष के नीचे कभी दो रात भी नहीं रहे। तो फिर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कमरों की बात तो कोसों दूर, तो भी उन्होंने हमें आत्म साक्षात्कार का अत्यंत महत्वपूर्ण साहित्य दिया है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक्चुअली सन्यासी लोगों का खास करके ये सबसे पहला कारण, सबसे पहला उनका कर्तव्य है कि उन लोगों ने क्या करना चाहिए, उन लोगों ने शास्त्र आदि प्रदान करने चाहिए, शास्त्र आदि का निरूपण करना चाहिए। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी स्वयं तो बड़े ही सरल सुविधा लेकर रहे, क्या सुविधा क्या, वो तो एक वृक्ष के नीचे रहते थे कोई भी, लेकिन उन्होंने कितना हमारे लिए साधन दिया, कितना शास्त्र दिया, नाना शास्त्र विचार नायक निपुण सद्धर्म संस्थापक, लेकिन समस्त शास्त्रों का निचोड़ निकाल के हमें प्रदान किया। हालांकि वो इतने महापंडित थे लेकिन अपना जो कुछ राजप्रसाद था उसको त्याग कर ऐसा जीवन जिए कि जिससे उनको ये भक्ति है उसका प्रचार, भक्तिमय ग्रंथों का लेखन समस्त आने वाली पीढ़ियों के लिए वो कर पाए। तो वो मुद्दा प्रभुपाद जी दर्शाना चाहते हैं कि वो खास करके जो रिनाउंस ऑर्डर है, अगले तत्पर्य में भी इसकी बात करते हैं कि उनका बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वो शास्त्र जो है उसके दर्शन, उसको निरूपण करने वाले ग्रंथ लिखे, उसके ऊपर लोगों को शास्त्र के सिद्धांत जो है वो सिखाए बताए। इस प्रकार से
चार वर्णों तथा चार आश्रमों वाली सनातन धर्म की पद्धति में प्रगतिशील जीवन के सुखमय समापन हेतु पर्याप्त आदेश और उसमें निष्ठावान अनुयायियों को जीवन का वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से संन्यास आश्रम स्वीकार करने का परामर्श दिया जाए। यदि कोई प्रारंभ से ऐसे सन्यासी तथा आत्मोत्सर्ग जीवन का पालन करने का अभ्यस्त नहीं होता तो उसे बाद के जीवन में इसका अभ्यास करना चाहिए, जैसा कि श्रील सुखदेव गोस्वामी ने संस्कृत। तो भले ही कोई प्रारंभ से वैसा न हो, लेकिन कम से कम उसने आध्यात्मिक जीवन में गंभीर बनने के बाद तो प्रयास करना चाहिए कि ये जो इस प्रकार का जीवन जिए जिसमें व्यक्ति इंद्रिय भोग के प्रति ज्यादा लालायित नहीं है और कृष्ण भावनामृत के प्रति ज्यादा उन्मुख है, ये बात ठीक है। चीराणि किं पथि न संति दिशन्ति भिक्षां नैवांग्रिपा परभृता सरितोप्यशुष्यं रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नां तस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदांधा। ठीक है, अनुवाद पढ़िए पुरुषोत्तम हरिप्रभु। क्यों सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़ रहते हैं? क्यों क्या क्या, क्या क्यों है क्या क्या है क्या क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरों का पालन करने के लिए जीवित रहने वाले वृक्ष अब दान भी दान में दीक्षा नहीं देते? क्या सुख जाने पर नदियां अब पैसों को जल प्रदान नहीं करती? क्या आप पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या क्या आप सबसे सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? हाँ, देखिए ये श्लोक भी बड़ा जोरदार सुखदेव गोस्वामी ने खंडन किया है। क्या कहते हैं देखिए, चीराणि किं पथि न संति। अच्छा, उसके पहले मैं आपको इसका आक्षेप बताता हूं ताकि आपको तो समझे क्या है। देखिए बात हुई अन्यथा सिद्धि की। अन्यथा सिद्धि मतलब सरल रूप से अगर किसी को उदार निर्वाह के साधन मिल जाए तो फिर उसने उतना भी प्रयास करना चाहिए, उतना भी प्रयास नहीं करना चाहिए। तो विश्वास चक्रवर्ती कहते हैं कि इसके ऊपर मानो कोई व्यक्ति कहेगा, अरे चीत त्राणो उपाय कह, ठीक है तुमने कहा थोड़ा बहुत अन्न वगैरह ये सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन शीत जैसे ठंड आदि से त्राण का उपाय कुछ वस्त्र चाहिए, कुछ साथ ही साथ कुछ निवारा कुछ आश्रय स्थान चाहिए, तो उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो आप तो कह रहे हैं ये सब चीजें हाथ है तो फिर तकिए की क्या जरूरत है, और भूमि है तो फिर किसी को बिछाने की क्या जरूरत है, और फिर करपात्री बनो। हाँ, लेकिन आपको कुछ आश्रय स्थान तो चाहिए ना, ठंड से बचने के लिए कुछ वस्त्र आदि तो चाहिए ना। तो खास करके आश्रय की बात हो रही है, आश्रय वगैरह तो चाहिए ना। तो फिर उसके ऊपर, उस आक्षेप के ऊपर थोड़ा सा सुखदेव गोस्वामी क्रोध से बोल रहे हैं ये बात। तत्र साक्षेपम क्रुध्यन्निवाह, थोड़ा सा मानो जैसे क्रोधित हो रहे कि कोई अगर ऐसा कह रहा है उनको कि अरे ये प्रैक्टिकल नहीं है, आप क्या बोल रहे हैं ये सब, ऐसा थोड़ी ना होता है। व्यक्ति को तो आश्रय चाहिए और उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा ना भाई, धनिक लोगों की सेवा वगैरह करनी पड़ती है, उनको मांगना पड़ता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं कि यहाँ पे सुखदेव थोड़ा सा क्रोधित होके उन्होंने कहा, मानो क्रोधित होके जैसे थोड़ा सा वो बोल रहे कि चीराणि किं पथि न संति, क्या जरूरत है कोई धनी लोगों के तलवे चाटने की। कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदांधान, वही वही कह रहे एक्चुअली। देखिए अंत कवि लोग, बुद्धिमान लोग धन से जो प्रमत्त हो गए, ऐसे लोगों का भजन्ति मतलब उनका क्यों भजन करते हैं, ये बात है, समझ रहे हैं ना।
उनका क्यों भजन कर रहे हैं, उनके क्यों पीछे पड़े हैं, उनका उनका ही संस्तुति क्यों कर रहे हैं? तो क्या जरूरत है उसकी? अगर चीरानी किम पथि न संति, क्या रस्ते पे कोई फटे पुराने कपड़े नहीं? हाँ, खास करके सन्यासी आदि के लिए बात हो रही। दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपा परभृत, जो दूसरों को भरण पोषण करते हैं ऐसे अंग्रिपा, अंग्रिपा मतलब वृक्ष, अंग्रिपा जो अपने अंग्री मतलब चरण, चरण मतलब मूल, जो अपने मूल से पीते हैं, मूल से पानी पीते हैं ना, तो इसलिए वृक्षों को अंग्रिपा कहते हैं। अंग्रिपा जो अंग्री के द्वारा प्राशन करते हैं जल को, हम लोग मुख द्वारा करते हैं, लेकिन जो वृक्ष है वो अंग्री मतलब मूल के द्वारा करते हैं, तो इसलिए नैवांग्रिपा। तो ऐसे क्या वृक्ष जो वृक्ष दूसरों के भरण पोषण करते रहते हैं फल फूल आदि प्रदान करके, क्या उन्होंने दीक्षा उन्होंने भिक्षा देना बंद कर दिया? नैवांग्रिपा परभृत दिशंति भिक्षां, वो क्या कुछ भिक्षा देना बंद कर दिया क्या पेड़ों ने? ऐसे पूछ रहे शुभदेव। मतलब पेड़ जो है वो फल फूल देते नहीं क्या? अभी रस्तों पे फटे पुराने कपड़े नहीं है क्या? सरितोप के शुष्यन, क्या सब नदियां जो है वो शुष्क हो गई क्या? देखिए अभाव समझिए शुभदेव का। शुभदेव जो है थोड़े से मतलब एक थोड़े से मानो जैसे थोड़े से स्लाइट क्रोधित हो गए वो, और उससे बोल रहे कि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ना देखेंगे नहीं, अब भगवान पर निर्भर होना चाहिए। इस प्रकार से भाव जो है वो व्यक्त करते हैं। सरितोप्य शुष्यन, क्या सब सरिताएं जो सरिताएं है मतलब नदियां जो है क्या वो सूख गई सर? रुद्धा गुहा, सारी गुहाएं क्या बंद हो गई क्या? गुफाएं रुद्धा, सब गुफाओं ने अपने आप को बंद कर दिया। किम अजितो अवधि नोपसन्नान, और क्या भगवान अजित उपसन्नान मतलब जो उनके शरणागत है उनकी रक्षा नहीं करते क्या? ऐसी बात, ऐसा प्रश्न पूछ, क्या भगवान अजित ने उनके शरणार्थियों की रक्षा करना छोड़ दी? कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान, क्यों कवि लोग बुद्धिमान लोग साधु लोग धन से प्रमत्त व्यक्तियों जो है उनका भजन करते हैं? क्यों उनका उनके चरणों में जाके रो रहे गिड़गिड़ा रहे भाई हमको कुछ धन दे दो धन दे दो भाई, ऐसे ऐसे कह रहे हो? कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। तो देखिए विश्वनाथ चक्रवर्ती, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो शुभदेव है वो कह रहे हैं कि आपको जो भी चीजें चाहिए इस प्रकृति से मिल सकती है, तो इसलिए धिक है उस बुद्धि का कि जिसमें लगता है कि जो धनी लोग है हमको मेंटेन कर रहे हैं, धनी लोग अगर हम लोग उनके खुशामत नहीं करेंगे उनके चरणों में गिरेंगे नहीं गिड़गिड़ाएंगे नहीं तो हमारा क्या होगा, ऐसी वो बुद्धि जो है बोलते धिक्कार की बुद्धि है वो, धिक तव बुद्धि ऐसे। क्यों? क्योंकि देखिए सिंपल बात है कि जो भगवान अजित है उनके शरणार्थियों की रक्षा करते, तो हम लोग भी तो हमारे आंदोलन में जाते हैं, बहुत सारे धनी लोगों से धन इकट्ठा करते हैं, उनको भी भक्ति में प्रेरणा देते हैं, तो भाव उसमें उचित होना चाहिए। हम लोग प्रचार करते हैं, प्रचार में धनी लोगों को मिलते हैं, उनके धन को हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं, तो इसमें भाव ये होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई ये धनी हमको मेंटेन कर रहा है हम इसके टुकड़ों पे पल रहे हैं, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। भाव तो होना चाहिए कि हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं भगवान की सेवा में, इन लोगों को जुटा रहे, एक्चुअली उनके ऊपर वो उपकार हो रहा है, वो लोग धन दे के हमारे ऊपर उपकार नहीं कर रहे, उनको वो भगवान की सेवा में धन देने का अवसर हम प्रदान कर रहे तो वो उनके ऊपर उपकार है एक्चुअली, नहीं तो उनका धन इंद्रिय भोग में कोई पाप कृत्य में या फालतू इंद्रिय भोग में लग जाता था, वो उतना धन भगवान की सेवा में लग, तो कौन किस पे उपकार कर रहा है?
तो मुद्दा क्या है, वो इंटरनल कन्विक्शन ऐसा होना चाहिए जो मांग रहे साधु उसको भी, उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि अरे माय बाप ये हमारे हमको मेंटेन कर रहे हैं, कृष्ण तो उधर बांसुरी बजाते हैं बट ये धनी हमारे लिए पैसा भेज रहे हैं, इस प्रकार का भाव नहीं होना चाहिए। हमें कृष्ण मेंटेन करते हैं, हम स्वधर्म अपना पालन करेंगे ना, भगवान की सेवा के लिए प्रचार करेंगे, लोगों को जाएंगे, लोगों को मिलके उनको प्रेरणा देंगे, अपनी साधना करेंगे, तो कृष्णा विल मेंटेन। हम लोग निश्चित रूप से लोगों को प्रेरणा देंगे, वो तो परमात्मा के हृदय में, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में है। तो अगर हम हमारा कर्तव्य कर रहे हैं, ब्रह्मचारी धर्म कर रहे हैं, संन्यास धर्म कर रहे हैं, या कोई गृहस्थ भी क्यों ना हो, गृहस्थ अपना अपना प्रचार में किसी के पास जाके धन आदि जुटा रहा है तो वो भी प्रचार के लिए अपना सर्वस्व दे रहा है। तो हर कोई अगर अपना धर्म करता है ना, तो याद रखिए धर्मो रक्षति रक्षिता, रक्षिता धर्मो रक्षित, रक्षित धर्म रक्षा करता, मतलब आप धर्म की रक्षा कीजिए, धर्म आपकी रक्षा करेगा निश्चित रूप से। तो हम लोग इस कन्विक्शन से जीते हैं कि भाई मैं अगर श्री कृष्ण की सेवा में मेरा कार्य करूंगा ना, तो मैं मुझे कभी कृष्ण फेंक नहीं देंगे ऐसे कि अजित तो नावती नौपसन्ना, सुखदेव कह रहे क्या भगवान अजित ने उनके शरणार्थियों की रक्षा करना छोड़ दिया गया, तो क्यों आप इतना धनी लोगों का खुशामत कर रहे हो, ऐसे कह रहे हो उसको। तो मुद्दा वही है कि प्रचार में तो हम सारी दुनिया को लगा देंगे, इसलिए धनिक से धनिक व्यक्ति को भी मिलेंगे नो डाउट, लेकिन वो इंटरनल कन्विक्शन बहुत क्लियर होना चाहिए कि भाई कौन किसको सहायता कर रहा है इसमें। ठीक है, उन लोगों की भी हमें सहायता हो रही है क्योंकि उनके धन से प्रचार आदि में और भक्तों की सेवा आदि में लाभ हो रहा है, लेकिन तो भी ऐसे नहीं है कि भाई वो लोग जो है बहुत बड़ा उपकार करके हम लोगों को मेंटेन कर रहे, हमारा हमें वो पालन कर रहे। पालन श्री कृष्ण ही करते हैं, सिंपल बात। वो किसी को प्रेरणा देके पालन करे किसी के हृदय में, या फिर वो सीधे सीधे आपको कुछ प्रदान करके पालन करे, लेकिन पालन तो श्री कृष्ण ही करे, ये बात है। कृष्ण इज ओनली मेंटेनर, नो रिच मैन इज मेंटेनर ऑफ एनीवन, ये बात है। तो ये इस चीज को समझ लेना चाहिए, इसलिए उस भाव से श्रील सुखदेव ने ये चीज कही है कि कस्मात भजन्ति कवयो धनदुर्लभम, ऐसे। तो हम लोग नम्रता से कृष्ण भावनामृत में प्रचार करते हैं, नम्रता से पेश आते हैं सबके सामने, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं, भक्त तो हमेशा ही नम्र होता है। लेकिन उस नम्रता के साथ साथ एक होती है नम्रता, जो कि एक वैष्णव का गुण ही गुण, लेकिन उस नम्रता को उसका भाव नम्रता का होना चाहिए, लाचारी का नहीं होना चाहिए। लाचार नहीं है हम लोग, हम लोग किसी के सामने लाचार नहीं है। रिनाउंस क्लास हो, वैराग्य वाले हो, या गृहस्थ हो, जो भी कृष्ण की सेवा में किसी से कुछ मांग रहा है, तो वो लाचार्य नहीं है, वो तो उस व्यक्ति पर उपकार है कि भाई तुम्हें ये कृष्ण की सेवा करने का अवसर हम खुद आके दे रहे हैं, आपकी इच्छा है तो ग्रहण कीजिए, नहीं इच्छा तो ठीक, कोई अन्य भाग्यवान जीव स्वीकार कर लेगा। इस प्रकार से कन्विक्शन से जीते हैं हम लोग अपने जीवन में, ये बात। प्रभुपाद जी, संन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर अर्थात दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं। देखिए, शब्दकोश के अनुसार परजीवी वह है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। संन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने हेतु। इसके विपरीत प्रामाणिक संन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के वास्तविक लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है, ये बात है। सनातन धर्म की प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है, और शास्त्रों का आदेश है कि वे सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे उन्हें भोजन वस्त्र इत्यादि प्रदान करें। इसलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों की दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। प्रभुपाद दोनों भी आश्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस दे रहे, बहुत प्रैक्टिकल। कि सन्यासी को एक ओर से सोचना चाहिए कि मैं क्या योगदान दे रहा हूँ समाज को, ऐसे नहीं कि बस गृहस्थ बेचारे अपनी कमाई का डोनेशन दे रहे
और ये बस अपना खा पी के मस्त है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसने भी सोचना चाहिए कि क्या मेरा योगदान है, क्या मैं प्रचार में सहायता कर रहा हूँ, क्या मैं शास्त्रों का ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, क्या मैं भक्तिमय जो क्रिया है कार्य है उसका और प्रसार कर रहा हूँ, जो भी अलग अलग प्रकार की सेवाएं हो सकती। तो उसने इस चीज को सोचना चाहिए और उसी के जैसे गृहस्थ ने भी सोचना चाहिए कि एक्चुअली ये जो सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो अपना जीवन प्रदान किया है कृष्ण की सेवा के, तो हम प्रयास करें कि हमारे कुछ दान आदि के द्वारा इनको उस सेवा आदि में कुछ भी फिर असुविधा ना हो, अच्छे से वो भगवान की सेवा के लिए आगे बढ़ पाए, कार्यरत हो पाए। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा अवसर है, गृहस्थ सोचता है कि ये बहुत अच्छा अवसर है कि मेरी जो लक्ष्मी है, धन जो है, उसका मैं इस प्रकार से कृष्ण की सेवा में उपयोग करूँगा। तो इस प्रकार का अगर परस्पर भाव है, परस्पर संबंध है, तो हम लोग देखते हैं कि उस प्रकार की कम्युनिटी में काफी प्रगति होती है, कृष्ण भावनामृत के प्रति लोग बड़े आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा भाव रहेगा कि अरे ये सन्यासी ब्रह्मचारी ये तो क्या करते हैं, दिन भर पड़े रहते खाते रहते हमारे दान के ऊपर, और फिर ब्रह्मचारी गृहस्थियों ब्रह्मचारी सन्यासियों का ऐसा भाव है कि अरे ये क्या गृहस्थ लोग, ये तो ऐसे ही भक्ति करते है बोलते है लेकिन ये क्या कुछ करते है क्या, बस कुछ थोड़ा बहुत माला वाला करते है और कुछ करते नहीं। तो दोनों के ये गलत धारणाएं हो, एकदम विचित्र विपरीत धारणा, तो इससे हमारे संस्था में बहुत सारी परेशानियां हमेशा ही ये रहता है, एक दूसरे को दोनों भी यूजलेस समझते हैं, व्यर्थ है, बेकार है करके समझते हैं। तो ये नवसिखिया लेवल जो है इससे ऊपर उठना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए कि दोनों आश्रम जरूरी है, संन्यास आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम भी जरूरी है और गृहस्थ आश्रम तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आश्रम वो है ऐसा कि जो अन्य तीन आश्रमों का पालन कर रहा है, क्योंकि वो धन आदि कमाते हैं, तो स्वभाव होता उनके दान के ऊपर अन्य तीन आश्रम जो है उनको सुविधा होती है। तो इसलिए ये दोनों ही आश्रमों को एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए और जिससे कि व्यक्ति जो है भक्ति में अच्छे से प्रगति कर पाए। और इस संन्यास आश्रम में खास करके क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, प्रभुपाद जी कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य यह है कि वह मनुष्यों के लाभ हेतु कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। देखो संन्यास आश्रम में खास करके संन्यास के प्रभुपाद जी ने तो कह दिया कि प्रथम कर्तव्य, फर्स्ट ड्यूटी, कि उसने शास्त्र जो है उसके ऊपर कुछ लिखना चाहिए, बोलना चाहिए, कुछ आध्यात्मिक कृति मतलब बेसिकली लिटरेचर साहित्य कुछ जो है वो प्रकाशित करना चाहिए जिससे कि लोगों को आत्म साक्षात्कार में दिशा प्राप्त हो। हाँ, ये पहला कर्तव्य है उसका, आत्मा जो भक्ति का ज्ञान है उसका प्रसार प्रचार करने के लिए इस प्रकार से सहायता हो, ये बात है। श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के संन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रधान कर्तव्य था उनका ये। उन्होंने क्या किया, अपने गोस्वामियों के उस जीवन काल में भी कितने सारे ग्रंथ लिख दिए उन्होंने, वे सारे मानव समाज के लाभ के लिए दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ दिया। तो देखो भाई, हम लोगों के लिए छोड़ के गए ये मानव समाज के लाभ के लिए, तो हम लोगों ने उसका उपयोग लेना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथ हमारे लिए लिखे, तो सबसे पहले तो प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, उसके बाद और गहराई से समझने के लिए फिर आचार्यों के ग्रंथ पढ़ सकते हैं, टीका आदि पढ़ सकते हैं। ये सारा अपने लिए तो छोड़ के गए, किसके लिए है वो। कभी कभी अच्छा लगता है लोगों को सारे ग्रंथ लाइब्रेरी में रखने का, बहुत बढ़िया से साफ वगैरह भी करते हैं उसको, देखो कितनी बड़ी लाइब्रेरी है और कोई पढ़ता ही नहीं उसको। कभी कभार ऐसा रहता है ना, लोग वो चैतन्य चरितामृत या भागवतम के ऊपर वो जो कवर रहता है पॉलिथिन का, उसको वैसे ही रखते हैं, बोलते प्रभु जी के हाथ से निकालेंगे, ऐसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो बुक वगैरह किसके लिए है, वो पढ़ने के लिए है। तो
ये सारी हमारे लिए दिया हुआ सारा खजाना है, इसको जितने हमारी समझ है, जितनी भी हमारी बुद्धि है जहाँ तक जाती है, उसको सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। क्या होता है उससे आध्यात्मिक जीवन में गंभीरता बनी रहती है। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में श्रवण का इनपुट नहीं जा रहा ना, तो आप गंभीरता जाने लगती है। व्यक्ति जो है फिर इधर उधर की बातें करता रहता है दिन भर, और कुछ नहीं, दुनिया में क्या चल रहा है वही चलता है ऐसा। लेकिन अगर स्पिरिचुअल इनपुट जाता है ना, तो थोड़ा गंभीर रहता है चीज। ओके ठीक है। प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त हरिदास ठाकुर का भी यहाँ पे वर्णन किया है। वो कथा बताते हैं कि कैसे वो एक गुफा में रहते थे और वहां पे एक विषधर सर्प भी था। तो वहां पे इतना उस विषधर सर्प से विषैला हो गया वो स्थान कि कोई भी हरिदास ठाकुर को मिलने नहीं आ पा रहा। तो फिर जब ऐसा हुआ कि हरिदास ठाकुर जो है उनको लोग कहे कि हम नहीं मिलने आ सकते आपको, क्योंकि अंदर बड़ा विषधर सर्प है, तो आप यहाँ से चले जाइए कहीं और जगह ताकि आपको हम मिल पाए। तो जब वो हरिदास ठाकुर इस प्रकार से वो गुफा का निवास स्थान छोड़ के जाना चाहते थे, तो परमात्मा ने उस सर्प के हृदय के परमात्मा ने ही उसको ऐसे प्रेरित कर दिया कि वो खुद ही चला गया। सांप जो है उसने हरिदास को विचलित नहीं किया और वो सांप ही चला गया इस प्रकार से। तो ये उदाहरण क्यों दिया जा रहा है, तो ये बताने के लिए कि भाई भगवान रक्षा करते हैं, उनके महान भक्तों की रक्षा तो करते हैं। ये बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने तो ऐसा कहा है इस श्लोक में कि रुद्धा गुहा है कि नहीं, वो रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं बंद हो गई क्या? तो कोई कहेगा कि नहीं भाई, गुफाएं तो चक्रवर्ती जी गुफाएं बंद नहीं हुई, लेकिन गुफा में जाएंगे और अंदर बाघ या सांप आ गए तो फिर उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते कि इसलिए सुखदेव ने कहा कि अरे किम अजितो नो पसन्न, क्या अजित भगवान अजित पे भरोसा है कि नहीं श्री कृष्ण पर? उन्होंने आ भी गया कोई व्याघ्र सर्प आदि, तो क्या वो भगवान रक्षा करते हैं कि नहीं करते? तो गुफा में सांप आएगा तो रक्षा भगवान करेंगे, इसको लेके प्रभुपाद जी ने हरिदास ठाकुर की स्टोरी बताई। समझ रहे आप ये? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ने टीका वैसी की है कि गुफा में कोई सांप व्याघ्र आ गया तो भी भगवान रक्षा तो करेंगे, मतलब ऐसे नहीं कि आपको, एक सन्यासी को उतनी श्रद्धा होनी चाहिए, जंगल में रहने वाला सन्यासी है कि नहीं? तो इसलिए प्रभुपाद जी ने एक स्टोरी बता दी हरिदास ठाकुर कैसे वो गुफा में रह रहे थे और एक विषधर सर्प आ गया। बढ़िया से कनेक्ट कर, ठीक है ओके। दो श्लोक है और एक फिर ये विषय खत्म होगा। एवं स्वचित्ते स्वतएव सिद्ध आत्मा प्रियोर्थो भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। ठीक है, अनंत शेष श्लोक अनुवाद पढ़ेंगे। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमता के कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतएव वे जीवन के परम लक्ष्य हैं और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। धन्यवाद। हाँ? तो देखिए ये कंक्लूड कर रहा है ये विषय। तो इस प्रकार से कर्म मार्ग में कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हाँ, कर्म मार्ग मतलब इंद्रिय विषयों का संचय, इंद्रिय विषयों का संचय करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा विश्वनाथ, ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने बोला। अगर मानो कोई कहता है कि क्या भक्ति में, भगवान की भक्ति में या अष्टांग योग में नहीं है क्या संचय, उसमें प्रयास नहीं है, उसमें अन्वेषण नहीं है क्या? जैसे कर्म मार्ग में इंद्रिय विषयों का अन्वेषण होता है, वैसे इसमें अन्वेषण नहीं लगता है क्या? तो नहीं लगता है अन्वेषण, ये बात बोल रहे इस श्लोक में। देखिए विश्वनाथ कहते हैं भजनीय ईश्वर से तद भजन उपकरणा नाम चान्वेषण तो कर्तव्यमेव। वो बोलते कि भगवान ईश्वर जो है, भजनीय जो है,
और फिर भजन के जो साधन है उसका अन्वेषण, उसके लिए तो प्रयास करता करना पड़ता होगा ना योगी को। तो उस उत्तर में, उस आक्षेप के उत्तर को ये सुखदेव कह रहे कि अरे भाई योगी को क्या अन्वेषण करना भजनीय साधन के लिए, वो थोड़ी ना कर्म मार्ग की तरह है कि भाई तू साधन जुटा के ला सब कुछ। क्या साधन? कर्म मार्ग में तो बहुत कुछ लाना पड़ता है उसको, रे द्रव्य चाहिए सब, घी चाहिए, बहुत सारा धान्य चाहिए, ब्राह्मणों को दान देने के लिए सोना चाहिए, गायें चाहिए, पंडित महात्मा चाहिए, जो सारे वो ऋत्विक लोग चाहिए, जो चार प्रकार के ऋत्विक होते हैं, होता उद्गाता ब्रह्मा द्वर्य यज्ञ करते हैं, ये कई सारे उस उपकरण का संचय तो बहुत बड़ा होता है कर्म मार्ग। तो भक्ति में या इस कॉन्टेक्स्ट में योग जो है, योगी है, इसमें क्या क्या भजनीय उपकरण जो है, साधन की क्या यहाँ पे संचय की जरूरत है? अरे वो भगवान तो उसके हृदय में ही सिद्ध, ऐसा सुखदेव के, उनको क्या अन्वेषण करना है, कहीं दूर से लेके आना है, वो तो हृदय में सिद्ध है उसके। तो योगी को बहुत कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं कर्म मार्ग की तरह, ये कहना चाहते। कर्म मार्ग में तो बहुत प्रयास है, लेकिन योगी जो है वो तो क्या कर रहा है, एवं स्वचित्ते स्वतः एव सिद्ध। तो इस प्रकार से वो जो योगी है ना, वो क्या करे, स्वतः एव सिद्ध स्वचित्ते, अपने चित्त में जो भगवान मतलब जो परमात्मा के रूप में उसके चित्त में नित्य विद्यमान है, ऐसे उस भगवान को, ऐसे उस परमात्मा को उसने क्या करना है, भजेत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेत, वो उस परमात्मा को भजन करे। ये बात बोली गई है। तो संसार हेतु परमश्चयत्, जिससे कि उस भजन के द्वारा संसार हेतु उपरम, मतलब संसार जो है उसका पूरी तरह से उच्चाटन हो जाएगा, संसार जो है वो रुक जाएगा, संसार मतलब जन्म मृत्यु का चक्र जो है। तो वो जो परमात्मा है उसके लिए चार शब्द प्रयुक्त किए हैं, आत्मा, प्रियः, अर्थः, भगवान अनंतः, या फिर आप कह सकते हो आत्मा शब्द परमात्मा के लिए है, और चार विशेषण है प्रियः, अर्थ, भगवान और अनंत, ये चार शब्द प्रयोग किए हैं उस परमात्मा के लिए। परमात्मा क्या है, प्रिय है, अर्थ है, भगवान है और अनंत। तो इसलिए उनको उसने भजन करना चाहिए, उसमें कोई अन्वेषण, कोई बहुत बड़े प्रयास की जरूरत नहीं, जो है उसके हृदय में विद्यमान है, ऐसा बात, ऐसी बात यहाँ पे की है ऐसे। तो यही बात, तो प्रिय शब्द का क्या अर्थ है, देखिए चार शब्द प्रयुक्त किए ना, चतुर भी विशेषण है। हाँ देखो विश्वान चक्रवर्ती कहते हैं चार विशेषण प्रयुक्त किए गए। तो प्रिय मतलब स्वभावता एवं प्रेमास्पदम, भगवान जो है स्वभावता ही प्रेम के आगार है, प्रेम के आस्पद है। इस जगत में पति हो, पुत्र हो, वो भी प्रेम के आस्पद होते हैं, लेकिन वे अर्थ नहीं है, अनर्थ है। देखो प्रिय शब्द से क्या अर्थ है, कि जो प्रेमास्पद है। अब भगवान जो है बड़े ही प्रेम के आगार है, तो कोई कहेगा मेरा पति प्रेम का आगार है, या मेरा पुत्र प्रेम का आगार है, या मेरी पत्नी प्रेम का आगार है, मेरी माँ प्रेम का आगार है, ऐसा। लेकिन वो लोग प्रिय हो सकते हैं, लेकिन अर्थ नहीं है, अर्थ नहीं है, वो अनर्थ है। मतलब क्या, वो जो अगर भाव शारीरिक चेतना पर आधार पर है, तो वो जो शारीरिक चेतना पर प्रियता है, वो प्रियता अनर्थ हेतु बन जाती है, वो अर्थ नहीं है। अर्थ मतलब समझते हैं ना, जो चीज वांछनीय है उसको अर्थ कहते हैं, अनर्थ है वो जो है ऐसे। हाँ अगर एक वैष्णव के प्रति आप आसक्त हो, भक्ति के केंद्र, भक्ति को केंद्र में रखे, तो वो अलग चीज होगी, वो ठीक है। लेकिन भौतिक स्तर पर आसक्त होना, प्रेमास्पद कहना इन सारे संबंधों को, वो तो अनर्थ है। लेकिन आत्मा मतलब परमात्मा जो है वो प्रेम है, दूसरा अर्थ भी है,
देखो इसलिए उनके लिए ऐसे विशेषण लाभ, अर्थ मतलब परम वस्तु रूप विश्वनाथ कहते, वे परम वस्तु है, वो नश्वर वस्तु नहीं, परम वस्तु, ये बात। अच्छा उसके बाद क्या शब्द प्रयोग किया, भगवान, वो ना केवल परम वस्तु है, तो परम वस्तु तो और भी चीजें हो सकती है परम वस्तु, लेकिन यहाँ पे तो ये तो भगवान है स्वयं, सौंदर्यादि गुणवत्वेन दृश्य, भगवान है वे तो, मतलब सारे ये जो सौंदर्य ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त है वो जो व्यक्ति है कि नहीं। परम वस्तु मतलब कोई ऐसा ब्रह्मा वगैरह नहीं है, वो भगवान है स्वयं है, सौंदर्यादि गुणवत्वेन, और अंत में अनंत है वो। अनंत का क्या अर्थ है, कि उनके प्राप्ति में कोई देश नियम नहीं है, सर्वत्र वे स्थित है, सर्वकाल उनका भजन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इस स्थिति में हूं तो भजन नहीं कर सकता, उस स्थिति में हूं तो भजन नहीं कर सकता। तो ऐसे चार अर्थ की, चार विशेषण के चार अर्थ बड़े अच्छे से किए विश्वनाथ। भगवान मतलब जो योगी ध्यान करता है वो प्रिय है, वो अर्थ है, वो भगवान है और वो अनंत, इस प्रकार। तो इसलिए उनके भजन में कोई श्रम नहीं है, कोई अन्वेषण की जरूरत नहीं है। न च भजने श्रम कोपि, निर्वृत है, एकदम भजनानंद मग्न होके भजन कीजिए, उसमें कोई बहुत पीड़ा नहीं है उस भजन में। कर्मयोग के मार्ग में पीड़ा है एक्चुअली, उल्टा देखा जाए संचय है उसमें बहुत सारा, लेकिन यहाँ पे पीड़ा नहीं है, श्रम नहीं है ज्यादा। तो इसलिए निर्वृत मतलब खुश होके व्यक्ति उनका भजन करते रहे, ये बात है इस प्रकार से। और उस भजन से संसार हेतु का उपरम हो जाएगा। संसार का हेतु मतलब जन्म मृत्यु के चक्कर का मेन हेतु क्या है, हेतु मतलब समझते ना, कारण, संस्कृत में हेतु मतलब कारण। तो जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है अविद्या, उस अविद्या को खत्म कर देगा ये भजन जो है, इसलिए इस भजन को कीजिए, ऐसा यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती सुखदेव जो है ऐसा कंक्लूड करते हैं इस प्रकार से। तो कर्म मत का खंडन करके बोल रहे कि अष्टांग योग के द्वारा इस परमात्मा पर ध्यान कीजिए, जिसके द्वारा संसार का जो कारण है अविद्या है वही खत्म हो जाए। प्रभुपाद जी, बद्ध जीव अपने नश्वर शरीर, अपने शारीरिक संबंधियों जैसे पत्नी तथा बच्चों एवं शरीर तथा शरीर के संबंधों यथा घर भूमि संपत्ति समाज इन वस्तुओं की सेवा करने में अपने आप को लगाता है, लेकिन उसे इसका पता नहीं कि यह सारी सेवा नितांत भ्रामक, ये सब कुछ जो है वो प्रिय शब्द से कनेक्ट कर रहे हैं। उसको लगता है कि मेरे ये सब घर संपत्ति भूमि ये सब प्रिय है, लेकिन एक्चुअली वो प्रिय हो सकते हैं लेकिन वो अनर्थ है, नश्वर है, वो भ्रामक है, ये बात है। तो प्रभुपाद जी उस शब्द पर टीका करते हैं। तो बेसिकली यही है इस श्लोक का वही प्रयोजन है कि व्यक्ति जो है इस प्रकार से भगवान का भजन। पुरुषोत्तम भगवान को ढूंढने के लिए हमें कहीं दूर नहीं जाना है, क्योंकि वे तो हमारे हृदयों में विद्यमान, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि हम पूजा स्थलों यथा मंदिरों गिरजाघरों तथा मस्जिदों में ना आए। दूसरी ओर प्रभुपाद जी ये भी कहते हैं कि भगवान हृदय में स्थित है, इसका अर्थ यह नहीं है कि अर्च विग्रह की सेवा को कोई पत्थर की पूजा समझे। भगवान हृदय में भी स्थित है, वैसे भगवान अर्च विग्रह में भी स्थित है। तो अर्च विग्रह की सेवा बहुत सुलभ अवसर प्रदान करती है व्यक्ति को भगवान पर ध्यान केंद्रित करने की, उनकी सेवा करने की। तो इसलिए यह मुद्दा जो है यहाँ पे बोला है। तो लास्ट श्लोक है इस सीरीज में कि इसलिए कौन सा व्यक्ति जो है वो ऐसे भगवान का चिंतन नहीं करेगा, कौन सा व्यक्ति जो है वो विषयों का चिंतन करेगा भगवान का चिंतन छोड़ के। तो इसके पहले छठे श्लोक में जो अन्वय से बोला कि भक्ति इसलिए करनी चाहिए, अब भक्ति या परमात्मा पर ध्यान दोनों भी ठीक है,
उसी को व्यतिरेक से बोला जा रहा है कि ऐसा कौन है जो वो भक्ति नहीं करे, उस परमात्मा पर ध्यान नहीं करे। तस्ताम त्वनादृत्य परानुचिंताम ऋते पशुन सतिम नाम कुर्यात् पश्यन् जनम पतितम वैतरण्यम स्वकर्मजान परितापान जुषानम। ठीक है, माधुरी किशोरी माता जी अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। निपट भौतिकवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्मों से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल षड्भंगुर नामों को ग्रहण करे। धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद। तो देखिए कंक्लूड कर रहे, ये उपसंहार कर रहे कर्म फल की निंदा का, ये कहते हुए कि तो इसलिए कहता हम, तो ऐसा कौन है जो ऐसे उस परानु चिंता को त्याग कर उसकी उपेक्षा करके, परानु चिंता समझते, पर मतलब परमात्मा, अनुचिंता मतलब उनका अखंड चिंतन करना, उनका उन पर ध्यान करना, तो ऐसी परानु चिंता का अनादर करके ऐसा कौन है दुनिया में कि जो असतिम नाम कुर्यात्, जो ये सारे असत नाम जो है, असत क्षणभंगुर चीजें जो है उसको स्वीकार करेगा, कौन है ऐसा? पशु नृते, पशु छोड़ के ऐसा कौन करेगा? ऐसे बोल रहे शुक्रदेव, केवल पशु को छोड़ के अन्य कोई ऐसा नहीं होगा जो इस परमात्मा के चिंतन को छोड़ के इस भौतिक नामों का चिंतन करेगा, स्वर्ग का चिंतन करेगा, भोग का चिंतन करेगा, और वो भी कब? पश्यन् जनम पतितम वैतरण्यान् स्वकर्मजान् परितापान् जुषानम्। अपने जनों को देखता है वो कि वे सबके सब अपने अपने कर्मों के कारण वैतरणी में गिरे हुए हैं, इंद्रिय भोग के मार्ग पर इंद्रिय विषय जुटाते हुए वे लोग वैतरणी नदी में गिरे हुए हैं और अपने पापों का दुख भोग रहे हैं, और ऐसी अवस्था में उनको देखते हुए भी, मतलब उनके बारे में जानते हुए भी, वो कौन ऐसा व्यक्ति होगा पशु छोड़ के जो परमात्मा के इस चिंतन को त्याग कर असत नामों का संचय करे। ये बात तो इस प्रकार से ये व्यतिरेक से बोला गया है, व्यतिरेक है ना, तदेवा हरि की अनुचिंता छोड़ के, मतलब परानुचिंता छोड़ के क्या कर रहा है वो? असती चिंता को कर रहा है, विषय चिंता को कर रहा है। कौन सा व्यक्ति है ऐसा? को नाम, कह नाम, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो परानुचिंता को त्याग के असती मतलब विषय चिंता को ग्रहण करे, जबकि वो देख रहे हैं विषय चिंता से सब लोग जो है नरक में जा रहे, पाप का अपने पापों के कारण दुख भोग रहे। वैतरणी में गिरना मतलब नरक में जाना, वो यमराज के द्वार से बहती है वैतरणी नदी नरक में, उस वैतरणी नदी से लेके जाते हैं उनको दंडित करने के लिए, उस वैतरणी नदी में भी फेंका जाता है दंडित करने के लिए। बेसिकली वैतरणी नदी भी एक दुख देने वाली नदी है बहुत ही, उसमें सब गलिच्छ चीजें है, उसमें रक्त मांस मूत्र आदि सब चीजें है भयंकर, और उसमें टिका जाता है उस व्यक्ति को। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है कि इन सब चीजों को तो भी करना चाहेगा, कर्म मार्ग को कौन अपनाएगा, बोल रहे। ठीक है, पापा जी कहते बुद्धिमान व्यक्ति उन जीवों की सामान्य दशाओं को ठीक से देख सकते हैं जो 84 लाख योनियों में तथा मनुष्यों की विभिन्न प्रजातियों में भटकते रहते। कहा जाता है कि यमराज के ग्रह के द्वार पर वैतरणी नामक निरंतर प्रवाहित करने वाली नदी, यमराज पापियों को विभिन्न प्रकार से दंड देते, तो ऐसी यातना देने के बाद पाप करने वालों को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार कोई योनि प्रदान की जाती है, इनमें से कुछ स्वर्ग में रहते हैं, कुछ नरक में रहते हैं, कुछ मन होते हैं, कुछ कंजूस होते, लेकिन कोई भी उसमें सुखी नहीं होता, सब अपने कर्मों के कारण कष्ट भोगते ही रहते हैं। कोई प्रभुपाद जी कहते हैं प्रथम श्रेणी का कैदी हो, कोई द्वितीय हो, कोई तृतीय हो, लेकिन सारे तो कैदी ही है अंत में भौतिक जगत में, तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को
उसने इसमें फंसना नहीं चाहिए और परानुचिंता को ग्रहण करना चाहिए, परमात्मा पर चिंतन। तो जो योग मार्ग वाले हैं वो भी, और कृष्णा भावनामृत में जो है वो तो सीधे भगवान पर चिंतन करते, वो भी, दोनों भी कहे हैं उस श्लोक के। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हुआ है। तो इसके बाद में जो है परमात्मा धारणा का विषय है, और इन श्लोकों को ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि इसमें बस परमात्मा का डिस्क्रिप्शन ही है, तो मैं इसको शायद 15 मिनट में खत्म कर दूंगा ये विषय को। लेकिन ठीक है, मैं इसको खत्म कर देता हूँ, फिर किसी का प्रश्न है कोई तो पूछ लीजिए, क्योंकि मेरे विचार से वही ठीक रहेगा। इन श्लोकों में कोई ज्यादा तात्पर्य नहीं है टीका में भी, तो ये फटाफट श्लोक हो जाएंगे। ठीक है, आप में से किसी को 9 बजे के बाद कुछ सेवा है तो निश्चित रूप से आगे बढ़िए, मैं किसी को रोक नहीं रहा बिल्कुल। ठीक, और दूसरा कि मैं कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगा आप सबके लिए कि तो मैं विजय केशव प्रो के माध्यम से सबको बता दूंगा सारी अनाउंसमेंट। हमारे सारे ही पेपर चेकिंग के लिए BBRB की ओर से एक नई टीम दी गई है, तो मैं अभी बहुत आशा कर रहा हूँ कि जल्दी आप सबके जो भी पेंडिंग रिजल्ट्स है वो आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक नई टीम दी है पूरी। पहले मेरे पास कुछ उसमें से सेवा थी, लेकिन मुझे बिल्कुल समय नहीं है, मैं कुछ चेकिंग वगैरह कर ही नहीं सकता पेपर चेकिंग, तो उसकी वजह से वो पेंडिंग था काफ़ी। तीसरे OBA तक चेकिंग हुआ था कम्प्लीट, और आई थिंक CBA भी तीसरे तक हुआ था पूरा। तो अभी आगे का जो है सब कुछ एक नई टीम ने हैंडल कर रहे है, तो अभी तुरंत अभी इस पे थोड़ा जल्दी काम होगा सब चीज़ों में। तो ठीक है, वो भी एक चीज़ आपको मैं पूरी डिटेल अनाउंसमेंट बता दूंगा। बाकी भी जो चीज़ें है कि हम लोग गौर पूर्णिमा के पहले सब कुछ फर्स्ट कैंटो क्लियर करना चाहते, तो सारी री एग्जाम सब सारी अनाउंसमेंट में बोल दूंगा। गौर पूर्णिमा के बाद में फर्स्ट कैंटो से रिलेटेड कोई चीज बची नहीं रहेगी, सबके एग्जाम क्लियर, सबका CBA OBA सब कुछ क्लियर रहेगा, और इस प्रकार से हमारा प्लान है। ठीक है, तो मैं ये सेक्शन खत्म कर दूंगा 8 से बचा हुआ, फिर उसके बाद में अगर किसी को पूछना है तो कुछ पूछिए। केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजं कंजरथांग शंख गदाधरं धारणया स्मरन्ति। गंगापति ने मात्र अनुवाद पढ़ अन्य लोक शरीर के हृदय प्रवेश में वास करने वाले एवं केवल एक बित्ता 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल रथ का चक्र शंख तथा गदा धारण किए हुए भगवान का ध्यान करते हैं। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण, धन्यवाद। हाँ, तो अभी देखिए विषय बदल रहा है, यहाँ से 8 से लेके 14 श्लोकों में एक दूसरा विषय है यहाँ। ठीक है, एक्चुअली देखा जाए तो 8 से लेके 12 श्लोकों, तो 12 तक भी हम ले लिए तो ये विषय पूरा हो जाएगा। ठीक, तो केचित, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वदेहांत हृदयावकाशी, अपने देह के अंत में हृदय में उन पुरुषोत्तम उन परमात्मा को देखते हैं या उनका स्मरण करते हैं जो कि प्रादेश मात्र, जिनका साइज प्रादेश मात्र कहा गया। एक्चुअली हृदय प्रादेश मात्र होता है, प्रादेश मात्र मतलब अंगुष्ठी तर्जन तर्जनी अंगुष्ठ यो हो विस्तार, आप अंगूठे को ऐसे अंगूठा जो है आपका और तर्जनी को स्ट्रेच करोगे तो इसको प्रादेश कहते हैं, करीब करीब 8 इंच प्रभुपाद जी कहते हैं। तो प्रादेश मात्रम जो वहां पे निवास करते हैं परमात्मा की, जो एरिया प्रादेश मात्र का है, मतलब बेसिकली हृदय का जो साइज है, हृदय जो कहा गया है हृदयावकाश, उसको प्रादेश कहा है, और उसमें जो निवास करते हैं इसलिए उनको प्रादेश मात्र कहते हैं। अब उनकी साइज क्या है तो उसको कहते हैं कि वो उनकी एक अंगूठे की साइज है, थंब, एक अंगुष्ठ मात्र।
लेकिन इसके ऊपर अलग अलग विचार है थोड़ा ये। एनीवे आध्यात्मिक चीजों के डायमेंशंस पे ज्यादा कुछ सूचक होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा गंभीरता से लेना नहीं चाहिए कि 8 इंच चलो काउंट करते हैं 8 इंच है। प्रादेश मात्रम पुरुषम बसंत, ठीक है। तो जो उस प्रदेश मात्र हृदय में, प्रदेश मात्र परिमाण के हृदय में निवास करते वसंतम, मतलब जो वसते है उधर, जो वास करते, चतुर्भुजम, वो चतुर्भुज है और क्या हाथ में कंज, अपने दाहिने हाथ में, नीचे के दाहिने हाथ में कमल धारण करते हैं, फिर ऊपर के दाहिने हाथ में चक्र धारण करते हैं, फिर बाएं ऊपर के हाथ में शंख धारण करते हैं और बाएं नीचे के हाथ में गदा धारण करते हैं। ये जो है ना, ये परमात्मा जनार्दन जो है हमारे हृदय हृदय में, भगवान का जनार्दन नाम का रूप होता है परमात्मा का, उसका वर्णन है। तो कुछ लोग इस परमात्मा को, इस रूप को धारणा के द्वारा स्मरण करते, ऐसी बात कही जा रही। तो ये कुछ लोग है, तो रुक्मिणी वल्लभ प्रभु ये कौन से लोग है, क्योंकि विषय बदल रहा है ये, तो जो डायरेक्ट परमात्मा पे ध्यान करते हैं ये कौन से लोग हुए। बोलिए, ये कौन लोग होंगे, खेचित बोला जा रहा है यहाँ। यस प्रभु जी, इसमें जो योगी होते हैं वो डायरेक्ट परमात्मा रूप पे ध्यान करते हैं, अष्टांगियों के अंदर अंदर वो परमात्मा पे ध्यान केंद्रित करते हैं परमात्मा। तो ये कौन से लोग है फिर अष्टांग योग के विषय में, हम पहले तो वैराग्य धारणा की बात की, ये क्या उनसे भिन्न है कि वही लोग है। नहीं, उनसे भिन्न है, जो वैराग्य धारणा जो है वो अष्टांग योग में वो डायरेक्ट यम नियम आसन के कारण द्वारा वो ध्यान के द्वारा सीधे परमात्मा में को अंतर मन में देखने का प्रयास करते हैं, तो मतलब कि हृदय में देखने का प्रयास करते हैं। तो उस तरीके से वो जब धारणा तक पहुंच जाते हैं और फिर उसमें पूर्णता स्थित होके परमात्मा के धारणा में कंटिन्यू तत्व हो जाते, तो समाधि आती है, तो इसलिए ये अलग पथ हो जाता है, वो दूसरा अलग पथ हो जाता है। अच्छा, ओके, सुकुमारी ललिता माता जी आप क्या कह रहे हैं? दो तरह के योगी होते हैं अष्टांग योग का अभ्यास करने वाले, एक अशुद्ध चित्त वाले होते हैं, एक शुद्ध चित्त वाले होते हैं। जिनका मन जो है रजस तमस में होता है वो अशुद्ध चित्त वाले होते हैं, तो वैराग्य धारणा पे वो जाते हैं जो अशुद्ध चित्त वाले होते हैं। लेकिन जब वो अशुद्ध चित्त वाले वैराग्य धारणा करते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट पे जो है उनका चित्त जो है शुद्ध हो जाता है। जब उनका चित्त शुद्ध हो जाता है तो फिर वो परमात्मा पे ये वाला जो बता रहे हैं श्लोक उस पे भी ध्यान करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन था जो शुद्ध चित्त वाले योगी थे वो भी ये वाला, उनके भी बारे में बात की जा सकती है। वेरी गुड, फैंटास्टिक, ये बहुत अच्छा उत्तर। तो ये बात है यहाँ पर, जो वैराग्य धारणा से शुद्ध होके आए हैं वे, और जिसको वैराग्य धारणा की जरूरत ही नहीं, पहले से शुद्ध चित्त वाले है, तो वो लोग शुद्ध चित्त योगी। और वैराग्य धारणा पर सारी धारणा बना के स्टेबल करके वैराग्य धारणा में सिद्ध करके आ गए, उनको भी तो इसी धारणा पे आना पड़ता है ना अंत परमात्मा, नहीं तो उनको नहीं मिलता मोक्ष वैराग्य धारणा करके केवल। तो ये दोनों कैटेगरी है इसमें, केचित बोल के इसको बोला जा रहा है। तो ये लोग है ये एक्चुअली। हाँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बड़ा अनोखा प्रपोर्ट लिखा है इसका, बोलते कि चार प्रकार के योगी होते हैं। देखिए इस कंसेप्ट को अच्छे से जानिए, बाकी उसके बाद में तो डिस्क्रिप्शन है सिर्फ परमात्मा का, वो तो फटाफट हो जाएगा। अब बस इस तात्पर्य को समझिए, यहाँ क्या है, एवं च वैराग्यम भक्ते है अन्वय गतिरेको च प्रदर्श पुनरपि योगी नाम पूर्वोक्त धारणतः अतिश्रेष्ठाम अंतर्यामी न चित घन रूपस्य धारणा। तो इस प्रकार से वैराग्य की बात हुई, श्रील विश्वनाथ कहते हैं वैराग्य की बात कौन से श्लोकों में हुई, 2 से लेकर 5 श्लोकों में। भक्ते है अन्वय, भक्ति के अन्वय की बात हुई 6 श्लोक में, व्यतिरेक 7 श्लोक में। ये सब दिखा के
अभी क्या है, पहले वाले योगी की पूर्वोक्त धारणा से भी अति श्रेष्ठ धारणा वाले योगी जो है उन योगियों की धारणा यहाँ पे बोली है। तो पहले वैराज धारणा बोली थी पिछले अध्याय में, अभी यहाँ पे अंतर्यामी धारणा बोली जा रही। चिदघन रूपस्य, चिदघन रूप पर जो धारणा करते हैं तो किस प्रकार से वो धारणा करते हैं वो चीज बताई जा रही। तो इसलिए केचित जब बोला जा रहा है इसका अर्थ क्या है, पूर्वोक्त वैराज धारणा निश्चेभ्य अपि अति श्रेष्ठा। पूर्व में जो वैराज धारणा के मार्ग में बैठे थे ना, वैराज धारणा करने वाले, उनसे जो श्रेष्ठ है, तो दो प्रकार से श्रेष्ठता हुई। एक तो वो उस मार्ग को करके शुद्ध हो गए, या तो फिर वे जो है पहले से उस अशुद्ध चित्त योगी कैटेगरी में थे ही नहीं, वो तो शुद्ध चित्त योगी ही थे, सीधे तैयार थे परमात्मा पे ध्यान करने के। दोनों को यम नियम करना पड़ता है, बात समझिए, अष्टांग योगी है दोनों का, परमात्मा धारने वाले को भी यम नियम करना पड़ता है और वैराज धारने वाले को भी यम नियम करना पड़ता है। लेकिन क्या होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहां तक तो धारणा की कोई बात ही नहीं होती, वो तो यांत्रिक होता है, सब मैकेनिकल होता है। पहली बार मेडिटेशन कहाँ शुरू हो जाता है, धारणा स्टेज पर। तो वो धारणा स्टेज पे अगर किसी का रजस तमस बड़ा भयंकर है तो उस व्यक्ति को वो परमात्मा धारणा जमती ही नहीं उसको। उसको वो योगी लोग जो भी कोई उसको सिखा रहा है वो उसको बोलता है भाई तू वैराज धारणा कर, तो फिर वो वैराज धारणा करता है और वैराज धारणा के द्वारा उसका जो मन का मालिन्य है, मलिनता है, उसको निकाल देता है एक स्तर तक, ऐसे तो नहीं कि पूरा निकलता है, बट उसमें एक रजस तमस चला जाता है, सत्व गुण में वो सिद्ध हो जाता है। स्वयं को म्यूट पे, म्यूट पे रखिए, म्यूट पे रखिए सारे स्वयं को, लोगों को कुछ, किसी को अगर कुछ पीड़ा हो रही है क्लास में तो कृपया आप छोड़ क्लास से बाहर चले जाइए, आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना। मैं यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। विजय केशव प्रभु आप अनम्यूटेड है, नहीं दूसरे को ही है, ओके ठीक है। ऑल राइट, तो मैं ये बता रहा था कि वैराज धारणा जो है ना वहां तक आ जाता है व्यक्ति, और उस वैराज धारणा पर अगर वो शुद्ध हो जाता है, मतलब वैराज धारणा में सिद्धि प्राप्त करता है, फिर वहां से उसको कहाँ जाना होता है, वहां से उसको परमात्मा धारणा जाना होता है। क्या है ये, कौन है हरि बोल, देखिए वो कौन नहीं है म्यूट, नूतन माधवी माता जी आप कौन म्यूट करिए, नूतन माधवी माता जी, यस 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 ठीक है, हो गया प्रभु, उनको म्यूट किया मैंने, ठीक है। आप कितना क्लास पे बढ़िया ध्यान है लोगों का, देखो मैं नाम भी पुकार रहा तो भी वो म्यूट नहीं कर पा रहा, इतना अच्छा ध्यान होगा। तो रिचुअल करके नहीं करना चाहिए, बस सुन रहे कान लगा दिया, प्रभु जी तो बोलते नहीं, वीडियो ऑन, चलो ओके दो मिनट, एक्चुअली मैंने म्यूट कर दिया तो भी फिर से अनम्यूट कर रहे हैं वो ऐसे हो, मैंने तो दो बार म्यूट किया उनको, फिर से अनम्यूट कर, तो ठीक है ओके। तो मैं ये बात बोल रहा था कि देखिए क्या हो जाता है कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार तक कॉमन है स्टेजेस, राइट। उसके बाद में जब धारणा की बात आती है तो अशुद्ध चित्त योगी को वैराज धारणा करनी पड़ती है, वैराज धारणा में वो जब सिद्धि प्राप्त करता है तब वो परमात्मा धारणा में आता, दो अलग मार्ग नहीं है वो, एक ही मार्ग है। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, कुछ कुछ समझता नहीं उनको, और इसलिए थोड़ी गलतियां हो गई है, गाइड बुक्स में भी गलतियां हैं इसके ऊपर,
मैं वो क्रमामुक्ति का चार्ट आपको समझाऊंगा तब आपको समझेगा कि कई लोगों की गलत वहमी हो गई है इस सिद्धांत में। तो वो जो परमात्मा धारणा है, वो जो वैराग्य धारणा है, उस वैराग्य धारणा से उसको परमात्मा धारणा में आना पड़ता है। तो इस प्रकार से शुद्ध हुआ व्यक्ति वैराग्य धारणा से वो भी परमात्मा धारणा करेगा, या फिर दूसरा व्यक्ति जो पहले से शुद्ध था वो भी परमात्मा धारणा करेगा। तो वो लोग केचित करके बोले गए, अभी वो श्रेष्ठ है, उस वैराग्य धारणा वालों से श्रेष्ठ है, क्योंकि वैराग्य धारणा उसने या तो पार कर ली या तो फिर उसमें उसको जाना ही नहीं पड़ा, वो क्योंकि पहले से शुद्ध चित्त वाला है। ऐसे ये बात है। तो देखिए यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बढ़िया तात्पर्य लिखा है, अत्र धारणायाम चतुर्युधा योगिना भवन्ति। देखो धारणा के आधार पर चार प्रकार के योगी होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। चार प्रकार के योगी होते हैं धारणा के आधार। तो सबसे पहले होते हैं जो भगवत रूपम अनालंब माना, तो वो धारणा किस पे कहते हैं करते हैं, प्राण और मन पे धारणा करते हैं, प्राण मनो धारणावंता। देखो ये पहला, ठीक है, प्राण मनो धारणावंता। ये लोग वो लोग हैं जो प्राण पर मेडिटेशन करते हैं, प्राण पर, प्राण और मन पर अपने, वो परमात्मा पे मेडिटेशन नहीं करते, विराट रूप पे भी नहीं करते। आजकल तो इस धारणा के और भी कई कॉन्फॉक्शंस आ गए, मॉडर्न योगा, सो कॉल्ड योगा। तो वो योगा जो है उसमें तो धारणा आदि चीजों की आप बात ही मत करो। मैं उस दिन भी इस चीज को समझा रहा था कि वो धारणा किसी भी चीज पे धारणा करो बोलते, लाल बंदर से लेके नीली मोमबत्ती तक, और फिर आपको जो चाहिए उस पर धारणा करो, कोई ड्यूटी पे करो, काली की मूर्ति पे करो, किस पे भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं धारणा। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि चार प्रकार के योगी, उसमें एक होता है प्राण मनो धारणा बनता, वो प्राण पर, अपने प्राण पर मेडिटेट करता है। तो इस प्रकार के धारणा वाले है तो वो भागवत के द्वारा असम्मत है, विकिता है, भागवत ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करता जो धारणा में भगवान मतलब परमात्मा को स्वीकार नहीं करते, ऐसे उस धारणा को भागवता असम्मत। यहाँ पर अ है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, भागवत के द्वारा असम्मत है वो धारणा, विगीता, इनफैक्ट भागवत उसका निंदा करता है, भागवत खंडन करता है ऐसी धारणा वालों, क्योंकि उनको भगवत रूप पे धारणा नहीं लगानी। भगवत रूपम अनालंब माना, अनालंब माना मतलब जो आश्रय नहीं लेते भगवान के रूप का धारणा के समय। दूसरे कौन है, पूर्वोक्त वैराज धारणाया शुद्ध चित्ता। तो पहले वाली जो वैराज धारणा बोली है उसके द्वारा जिनका शुद्ध चित्त हो जाता है उससे वो क्या करते हैं, फिर वे जो है उसके द्वारा अंतर्यामी पर धारणा लगाते हैं, अंतर्यामी। लेकिन वो कौन से अंतर्यामी पे धारणा लगाते हैं, तो वो एक्चुअली समष्टि अंतर्यामी पे धारणा लगाते हैं, मतलब वो गर्भोदकशायी विष्णु पे धारणा लगाते हैं। ये दूसरे वाले हैं, वैराज धारणा से शुद्ध होके वो क्या करते हैं, वो जो है गर्भोदकशायी विष्णु पे धारणा लगाते हैं, मतलब उनके लिए परमात्मा धारणा गर्भोदकशायी विष्णु पर धारणा जो है वो उनके लिए परमात्मा धारणा है। उसको क्या बोलते हैं गर्भोदकशायी विष्णु को, उनको बोलते हैं समष्टि परमात्मा, जो पूरे समस्त ब्रह्मांड के परमात्मा है, ऐसे समष्टि। समष्टि और व्यष्टि, व्यष्टि मतलब ये हमारा स्वतः, ये शरीर इंडिविजुअल, और समष्टि मतलब पूरा ब्रह्मांड कलेक्टिव। तो समष्टि परमात्मा हुए गर्भोदकशायी विष्णु। तो जो लोग वैराज धारणा से शुद्ध होके गर्भोदकशायी विष्णु पर धारणा लगाते हैं वे हो गए दूसरे टाइप के। तीसरे टाइप के योगी है वैराज धारणा अनंतर व्यष्टि विराट अंतर्याम। तो तीसरे हो गए कि जो वैराज धारणा से शुद्ध होके व्यष्टि अंतर्यामी या व्यष्टि विराट अंतर्यामी के ऊपर धारणा करते। तो व्यष्टि विराट अंतर्यामी मतलब
हमारे शरीर में जो परमात्मा है, जीव के शरीर में जो होते, तो वो कौन होते? क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो क्षीरोदक्षाई विष्णु और वो चतुर्भुज रूप में है। मतलब चतुर्भुज रूप में तो दोनों भी है, बट खास करके क्षीरोदक्षाई विष्णु जो है वेष्टि विराट अंतर्यामी, वो उन पर धारणा करते हैं। तो उनका तो एक पर्टिकुलर रूप है, वो खड़े रहते हैं। हालांकि वो क्षीरोदक्षाई है लेकिन हृदय में परमात्मा के रूप में वो खड़े है, और वो खड़े होके चतुर्भुज उनका वर्णन अभी जो किया हमने जनार्दन के रूप में, वैसे होते। तो ये तीसरी कैटेगरी योगी हो गए। और चौथी कैटेगरी क्या है? चतुर्था स्वतः है वो शुद्ध चित्त। चतुर्थ कैटेगरी के योगी है वो पहले से शुद्ध चित्त रहते, तो इसलिए एकदम शुरुआत से ही व्यष्टि अंतर्यामी पे ही ध्यान करते, वो वैराज धारणा के मार्ग में गए ही नहीं। प्रत्याहार के बाद जो धारणा स्टेज आती है उसमें व्यष्टि अंतर्यामी पर ही उन्होंने तब से ही प्रारंभ से ही धारणा की। तो ये चौथे वाले, तो यहाँ पे ये लोग जो है ना केचित आदि शब्दों के द्वारा बोले गए हैं। तो खास करके यहाँ पे केचित शब्द से ये चौथे कैटेगरी वाले इंगित होते हैं। लेकिन बेसिकली मुद्दा यही है कि कोई शुद्ध चित्त होके वैराज धारणा से परमात्मा पे धारणा करे, या फिर पहले से शुद्ध होने के कारण परमात्मा पे धारणा करे, परमात्मा की धारणा तो यही है ऐसे ऐसे। तो इसलिए केचित यानी ये लोग बोले गए हैं जो इस प्रकार से पहले से शुद्ध है और वो डायरेक्ट परमात्मा पर, जो शिरोदक्षाई विष्णु है, उन पर ध्यान करते हैं। लेकिन इस स्टेज पे आने वाले ये तीनों कैटेगरी हो सकते हैं, जो पहले से वैराज धारणा करके आए हुए हैं और फिर गर्भोदक्षाई विष्णु पे ध्यान कर रहे, मतलब धारणा कर रहे, या फिर पहले वैराज धारणा करके व्यष्टि परमात्मा पे ध्यान कर रहे, या फिर पहले वैराज धारणा कभी करनी ही नहीं पड़ी, सीधा व्यष्टि परमात्मा पे ध्यान कर रहे, ऐसे ये लोग जो है परमात्मा यानी अंतर्यामी धारणा के लिए काबिल लोग है, ये पात्र लोग है। तो उनकी धारणा यहाँ पे बोली गई इस प्रकार से। तो वो अपने हृदय में प्रादेश प्रमाण हृदय ध्येयत्वात्, प्रादेश प्रमाण वाले हृदय में वे ध्येय है, मतलब उन पर ध्यान किया जाता है, इसलिए उनको प्रादेश मात्रम बोलते हैं। और वो पुरुष के रूप में है, उन परमात्मा का, उन शिरोदक्षाई विष्णु जो हमारे हृदय में जनार्दन के रूप में स्थित है, तो उनका आकार पुरुष का है, स्त्री का नहीं है, पुरुष का है। पंचदश वर्षीय पुरुषाकार प्रमाण, जिससे 15-16 साल का व्यक्ति होता है, कैशोर वयस, जिसने 15 साल पूरे किए हैं, और 16 साल का व्यक्ति कैसे होता है, षोडश वर्षीय या पंचदश वर्ष, वैसे दिखते हैं परमात्मा जो है वो, बड़े ही सुकोमल और एकदम कैशोर वयस दिखते हैं, ये बात है। तो इस प्रकार से उनका यहाँ पे वर्णन हुआ है। तो प्रभुपाद जी ने भी इस चीज को बताया है कि कैसे ये जो जनार्दन है इस प्रकार से शंख चक्र आदि धारण किए हुए, ठीक है। तो बस अभी उसका उनका सिर्फ वर्णन है, तो इनका अनुवाद पढ़ के वो सिंपल है, इसमें कोई कठिन नहीं, खत्म हो जाएगा तुरंत। ऐसे प्रभुपाद जी कहते भगवान पुरुष अर्थात नर भोक्ता के रूप में विद्यमान रहते। कभी कभार पाश्चात्य जगत के लोगों को उसमें कोई स्त्री मुक्ति वाले लोग है, वो बोलते हैं कि भगवान का डिपिक्शन पुरुष के रूप में ही क्यों करते। देखो ये मेल शोवेनिस्ट लोग जो है, मतलब जो पुरुष वाले लोग स्वयं को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भगवान को भी पुरुष का आकार दे दिया, ऐसे कुछ लोग कहते पाश्चात्य जगत। मतलब उनको कुछ आइडिया नहीं है, उनको कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है ना, तो अपनी बुद्धि से तर्क लगा रहे कि भगवान जो है वो ऐसे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो ये सब शास्त्र के विषय है ना, पुरुषम, और ये सारे जो शब्द प्रयोग किए हैं वो भगवान का वर्णन करते, ठीक है। प्रसन्न वक्त्रम नदिनायते क्षणम कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम लसन महारत्न हिरण्मयांगदम स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम।
एक ही डिवोटी पढ़ी है कोई, जस्ट तीन चार श्लोक है अभी बस। अनुराधा रसिका माता जी आप पढ़ेगी? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पढ़िए। उनका मुख उनकी प्रसन्नता को व्यक्त करता है, उनकी आंखें कमल की पंखड़ियों के समान है, और उनका वस्त्र कदम पुष्प के केसर के समान पीले रंग का तथा बहुमूल्य रत्नों से जटित है। उनके सारे आभूषण स्वर्ण से निर्मित तथा रत्नों से जटित है। वे दैदीप्यमान मुकुट तथा कुंडल धारण किए हुए है। ठीक है, तो ऐसे उन परमात्मा का सुंदर वर्णन है। वे कैसे है? प्रसन्न वक्त्रम, बड़ा प्रसन्न मुख है उनका, उनकी आंखें जैसे कमल की पंखुड़ियों की तरह लंबी आंखें है एकदम, नेत्र जैसे मानो उनके कान तक पहुंच जाते हो, नेत्र बड़े सुंदर नेत्र वाले। कदम्ब किंजल कपिशंग वाससम, उनका जो वस्त्र है वो पिशंग रंग का है, पीले रंग का है, जैसे कदम्ब, कदम का फूल देखा है अपने, कदम्ब, तो कदम्ब में जो किंजल होता है केसर होता है, कदम के फूल पर केसर होता है ना, तो उसका जो रंग होता है पीत रंग, तो उसके जैसा भगवान का पीतांबर वस्त्र का रंग है। लसन महारत्न हिरणमयांगदम, और बड़े चमकीले महारत्न सुने सोने के अंगद आदि आभूषण उन्होंने पहने हैं अपने शरीर पर। स्फुरन महारत्न किरीट कुंडलम, जिनका किरीट और कुंडल भी बड़े ही चमकीले, बहुत ही चमकते हुए है, वैसे बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं भगवान जो है हृदय में। ठीक है। उन्निद्र रत पंकज कर निकालये योगेश्वर स्थापित पाद पल्लवम श्री लक्ष्मणम श्री लक्ष्मणम कौस्तुभ रत्न कंदरम अम्लान लक्ष्म्यावनमादयाचितम। यस। उनके चरण कमल महान योगियों के कमल सदृश हृदयों के गुच्छों के ऊपर रखे हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है जिसमें सुंदर बछड़ा अंकित है, और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनका पूर्ण स्कंध प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। यस। उन्निद्र रत पंकज कर्णिकालय, उन्निद्र जो भक्त जिनके हृदय उन्निद्र है मतलब खिले हुए पंकज की तरह है, खिले हुए कमल की तरह है, मतलब जो भक्त रजोगुण तमोगुण आदि से परे जाके जो शुद्ध सत्व में स्थित है, ऐसे उन भक्तों के हृदय में ही वे जो है प्रकाशित विद्यमान होते हैं, उसमें वो दिखाई पड़ते हैं, उनके हृदय में सीधे सीधे अपने स्वयं को प्रकट कर देते हैं। उन्निद्र रत पंकज कर निकालय, उस रत पद्मा मतलब उस हृदय कमल के कर्णिक पर, कमल हृदय के उस गुच्छ पर वो खड़े है। योगेश्वरा स्थापित पाद पल्लव, और वो ऐसे है जिनके चरण कमल योगेश्वर लोगों ने अपने हृदय में इस प्रकार से धारण करके रखे, यहाँ तक कि योगेश्वर मतलब ब्रह्मा या शिव जैसे व्यक्ति उनके हृदय उनके चरण कमल को अपने हृदय में धारित करते। श्री लक्ष्मणम, श्री लक्ष्मण मतलब जिनकी जिनके वक्षस्थल पर श्री का लक्ष्मण है, श्री का चिन्ह है, तो भगवान के दाहिने वक्षस्थल पर मतलब दक्षिणस्थन बोलते हैं उसको, तो दाहिने वक्षस्थल पर श्रीवत्स है, और भगवान के बाएं वक्षस्थल पर लक्ष्मी रेखा है, तो दोनों भी लक्ष्मी के निवास स्थल माने जाते हैं। श्रीवत्स जो है वो दक्षिण दाएं वक्षस्थल पर है, और लक्ष्मी रेखा जो है वो बाएं यहाँ पर बाएं वक्षस्थल पर है ऐसे। तो श्री लक्ष्मणम इसका अर्थ दोनों भी हो सकता है, श्रीवत्स भी और लक्ष्मी रेखा ऐसे। कौस्तुभ रत्न कंधरम, और उनके कंधर पर उनके कंधे पर मतलब उनके गले में कौस्तुभ है, बड़ा विशेष ये कौस्तुभ और ये जो लक्ष्मी रेखा और श्रीवत्स ये केवल भगवान विष्णु का ही चिन्ह है, इसको कोई अन्य व्यक्ति धारण नहीं कर पाता, नहीं कर सकता मतलब वैकुंठ में, हालांकि सब भगवान जैसे दिखते हैं लेकिन कौस्तुभ भगवान के पास ही होता है, और लक्ष्मी रेखा एवं श्रीवत्स भी केवल भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर होते हैं। अम्लान लक्ष्म्या वनमालया, और उनका वो जो गला है उस गले में एक सुंदर वनमाला है जो कि कभी भी मुरझाती नहीं है, अम्लान लक्ष्म्या,
अम्लान, कभी म्लान नहीं होती है, ऐसी वनमाला है। अलग अलग प्रकार के माला होती है, तीन प्रकार की माला होती है भगवान विष्णु के गले में। एक होती है वनमाला, एक होती है वैजयंती माला और एक होती है रत्न। ऐसी तीन माला है अलग अलग प्रकार की। विभूषितम मेखलयांगे अंगुलेकयकैर महाधनैर नूपुर कंकनादिभिः स्निग्धा मला कुंचित नील कुंतलैः विरोचमानाननहासपेशलम्। उनके कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी अंगुलियों में बहुमूल्य रत्नों से जटित अंगूठियां हैं। उनके नुपुर, उनके कंकन, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने बाल तथा उनका सुंदर मुस्कान युक्त मुख, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। हाँ, तो भगवान बड़ा सुंदर मेखला पहनते हैं, अपने कमर पर एक कमरबंद पहनते हैं जिसमें सुंदर छोटी 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 घंटियां हैं। तो जब भगवान चलते हैं तो उनके उस मेखला के कारण बड़ा सुंदर आवाज भी होता है। अंगुलिकाय, भगवान अंगूठियां भी पहनते हैं उनके उनकी उंगलियों में। महाधनैर नूपुर कंकन आदि भी, बड़े सुंदर नूपुर कंकन आदि से सुशोभित है। और भगवान के जो बाल है, केश है, उनके बड़े सुंदर केश है, स्निग्ध है वो, एकदम स्निग्ध है बाल भगवान के। और कुंचित नील कुंतले, थोड़ा सा नीले है, काले नीले, उसमें थोड़ा एक नीले रंग की छटा है बालों में ऐसे। और एकदम सिल्की, स्निग्ध सिल्की हेयर है, एकदम बहुत ही सुंदर सुहावने केश है। और घुंघराले है वो, घुंघराले बाल है कुंतलई, तो इससे उनका आनंद मुख जो है बड़ा सुंदर दिखता है। ऐसे इतने सुंदर बाल है उनके चेहरे के ऊपर, तो उससे उनका सुंदर मुख और भी सुंदर शोभायमान प्रतीत होता है। और उस सुंदर मुख पर एक हास्य रहता है, हमेशा एक स्मिता हास्य रहता है, जिससे भगवान बड़े ही पेशल, मतलब बड़े ही सुंदर लगते हैं। ये बात है। अंतिम श्लोक, अधीन लीला हसिते क्षणोल्लसद भूभृंग संसूचित भूद्यनुग्रहम इक्षेत चिंतामयमेन ईश्वरम यावन मनोधारण यावतिष्ठते। भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके रहस्यमय मुख की उल्लास में चितवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन भगवान पर स्थित रखा जा सके, तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप में एकाग्र करे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ओके, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो अंतिम श्लोक है, इसमें ये बताया है कि ऐसे भगवान जो है सुंदर उदार लीला करते रहते हैं, और इस उदार लीलाओं के कारण उनके चेहरे पर हास्य रहता है। हमेशा ही परमात्मा जो है वो उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, क्योंकि वो सुंदर उदार लीलाओं को सुनते रहते हैं अपने भक्तों से। उसमें मन ही मन वो हंस देते हैं, अपने स्मित हास्य करते हैं, क्योंकि उनके भक्त जो है उनको अलग अलग लीला उनके साथ कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। इस प्रकार से भूभृंग संसूचित भूर्यनुग, और वो जो भक्त है उनके साथ, उन भक्तों के साथ वे अपनी भ्रुकुटियों का भ्रुकुटियों को हिला के उनके साथ वे जो है आदान प्रदान करते हैं। भूभृंग, कोई भक्त उनका गुणगान करते हैं तो बस अपनी भ्रुकुटी से थोड़ा भ्रुकुटी हिला के हास्य करके वे जो है उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए, विष्णु भी बहुत ऐसे, कभी कभी हमारे लोग श्री कृष्ण हम भक्त है तो ऐसे सोचते हैं विष्णु, हाँ विष्णु तो ठीक है चल ऐसे, लेकिन भगवान विष्णु परम सुंदर है, परम आकर्षक है, वे तो भगवान है, तो उनका वर्णन यहाँ पर योगी के लिए किया जा रहा है। तो ऐसे इस प्रकार से योगी जो है उनका चिंतन करे जब तक कि उनका मन धारणा में सिद्ध नहीं हो जाता, पूरी तरह से धारणा सिद्ध नहीं हो जाती, ऐसे करके इसका वर्णन। इसके टीका में प्रभुपाद जी ने अगले श्लोक का एक्चुअली मुद्दा जो है उसको लेके बड़ी लंबी टीका लिखी है, तो मैं इसको
अगले सेक्शन में बताऊंगा, यहाँ से 13 से लेके थोड़ा सा विचार बदलता है इन श्लोकों में, तो हम लोग उसकी चर्चा करेंगे अगले यूनिट में चर्चा करेंगे, अगले यूनिट में मतलब अगले महीने में इसकी चर्चा करेंगे, जब इसी अध्याय को पूरा करके और दो अध्याय भी मैं पूरा करूँ। तो बहुत धन्यवाद आप सबका, यहाँ पर ये समाप्त हो गया है विषय। तो इस यूनिट की कोई क्लोज्ड बुक और ओपन बुक नहीं होगी, तो आप लोगों को थोड़ा सा समय है अभी तो, लेकिन सारी बाकी अनाउंसमेंट मैं अभी विजय केशव ब्रोट के माध्यम से आपको दिलवा दूंगा, जो भी री एग्जाम्स है और वगैरह सब। जैसे कि मैंने कहा कि अभी क्योंकि ये आ गया है, एक नई टीम आ गई है सारे पेपर चेकिंग के लिए वगैरह, तो मैं थोड़ा अभी प्रयास करेंगे कि सारा टाइम टू टाइम हो जाए, सारे रिजल्ट जो भी पेंडिंग है वगैरह उसमें मुझे समय अभी देना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए ये अभी ठीक है, चीज़ें जो है ठीक से हो सकती है। तो ये सारे अनाउंसमेंट हम करते हैं, मैं बता दूंगा बाद में अगर, या फिर मैं स्वयं भी कोई ऑडियो मैसेज डाल दूंगा व्हाट्सएप पर, जिससे आप सब सुन सकते, ठीक है। ओके, तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए इस विषय में, इसके बाद हम लोग अगले महीने नहीं मिलेंगे, वो बचा हुआ ये यूनिट खत्म कर, और बाकी सबको जिनको भी आगे बढ़ना है कृपया आप आगे बढ़िए, क्लास खत्म हो गई। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, ठीक है। ओके, क्या प्रश्न है? पुरुषोत्तम हरि प्रभु, हरे जो पिछले सत्र में आपने जो बताया था कि कर्म योगी और ज्ञान योगी, तो इसमें जो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कर्म कांडी कर्म योगी और अष्टांग योगी और ज्ञान ज्ञानी, इनका साधना और साध्य क्या है, ये सारों कभी मैं हाँ थोड़ा विस्तृत विषय है, अगले यूनिट के प्रारंभ में या मुझे आप पर्सनली भी मिलिए मैं बता दूंगा, बट अगले यूनिट के प्रारंभ में मैं एक बार आप सबके लिए बता दूंगा वो, क्योंकि द्वितीय स्कंद की अंडरस्टैंडिंग में वो जरूरी है, तो मैं थोड़ा विस्तार से वो लगे 20-25 मिनट लगेगा उसको बताने में, मैं सब कुछ बता दूंगा कि हर एक मार्ग का साध्य साधन क्या है, भक्ति मिश्र योग, योग मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, भक्ति मिश्र ज्ञान, कर्म मिश्र भक्ति, भक्ति मिश्र कर्म, और हर एक का साध्य साधन ऐसा उसमें विस्तार से वर्णन करता हूँ, ताकि फिर आपको एक बार वो क्लियर हो गया तो फिर आपको बहुत आसानी होगी सारी चीजें क्या बोली जा रही है समझ, नहीं तो सारे वो नहीं रहता तो मिक्स हो जाता है, लोगों को समझता नहीं क्या है कौन सा क्या है, एग्जैक्ट क्या कर्मकांड और कर्मकांड और कर्मयोगी कर्मयोग और कर्मकांडी। हाँ, तो कर्मकांड वाला है उसका साधन है जो यज्ञ करता है वो अलग अलग, हाँ वो साधन है यज्ञों, और कर्म योगी जो है वो वर्णाश्रम के अंतर्गत, वो भी वर्णाश्रम के अंतर्गत है, दोनों भी वर्णाश्रम के अंतर्गत, लेकिन निष्काम कर्म योगी जो है वो वही साधन भले ही करेगा लेकिन उसमें काम में कर्म नहीं करता है वो, मतलब कोई यज्ञ नहीं करता है वो, नित्य और नैमित्तिक कर्म करेगा लेकिन काम में कर्म नहीं करेगा, लेकिन जो सकाम कर्मी होता है वो नित्य नैमित्तिक और उसके साथ काम में कर्म भी करता है, जिस यज्ञों के द्वारा उसको सब ये लाभ मिलते हैं उसको काम में कर्म कहते हैं, तो उतना फैक्टर निष्काम कर्म योग के जीवन से हटा दिया जाता है, वो क्या करता है सिर्फ नित्य नैमित्तिक कर्म करता है और फल की भावना से विरहित होके वो अपने कार्य करता रहता है, तो दोनों वर्णाश्रम में दिखेंगे आपको, दोनों समान दिखेंगे लेकिन एक मेजर फर्क है कि एक के जीवन में काम में कर्म है एक में नहीं है, ये अंतर होता है, ठीक है। तो और उसका गोल होता है सकाम कर्मी का स्वर्ग, इसका गोल होता है मोक्ष, ये अंतर होता है दोनों में, वो साध्य की बात भी कर दी, साधन की बात तो मैंने कर दी थी, तो ये पूरा ही विस्तार से विचार आप समझते हैं क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। कभी मैं समय से इसको समय देके करूंगा। कृष्ण नाम प्रभु, क्या प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मुझे पूछना था कि यहाँ पर परमात्मा का जो वर्णन है बहुत अच्छे से किया है, और भक्त जो है इसके ऊपर मतलब भक्त जो है भगवान का सीधा ही सेवा करते हैं,
और भगवान भगवान के ऊपर ही ध्यान करते हैं। लेकिन फिर ये जो विधि है, ये विधि से मतलब हम भगवान के ऊपर ध्यान मतलब कर सकते हैं या फिर भक्ति इससे ऊपर है? ऊपर तो है ही निश्चित रूप से, लेकिन इससे भी कुछ फायदा हो सकता है भक्तों को ध्यान करने के लिए? ओके, ठीक है, अच्छा प्रश्न है। हाँ तो देखिए, ये अष्टांग योग परमात्मा धारणा की साधना है, ये भक्ति साधना नहीं है। तो भक्त को लाभ ये हो सकता है कि भगवान के गुणों का वर्णन सुन रहा है, वो श्रवणम है उसके लिए कि भगवान कितने सुंदर है और परमात्मा जो है उनका किस प्रकार से रूप है, कैसे वो जो है भक्तों के साथ आदान प्रदान करता है। तो इन सारी चीजों को वो श्रवण करता है और वो श्रवणम भगवान के गुणों का, उनके रूप के श्रवण के कैटेगरी में जाएगा ऐसे। लेकिन हम लोग इस विधि को पालन नहीं करते, हम लोग ऐसे बैठ के ध्यानवान नहीं लगाते हृदय के परमात्मा के। हमारा विधि है सीधा भक्ति का विधि है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हम लोग श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, विष्णु का स्मरण करते हैं। तो मतलब वो स्मरण श्री कृष्ण का करते हैं, खास करके हम लोग भगवान फीचर का करते हैं। और वो स्मरण कैसे होता है? वो स्मरण भी जस्ट ऐसे नहीं कि आंखें बंद कर दी और भगवान को स्मरण कर दिया तो उसको स्मरण बोलते हैं, बट वो प्रारंभिक स्मरण है। एक्चुअली स्मरण स्टेज है, एक स्मरण स्टेज होती है, स्मरणावस्था बोलते हैं जिसको। तो वो बहुत आगे की स्टेज है, उसमें व्यक्ति को अंतकरण शुद्धि के बाद में वो क्या करने लगता है, फिर एक एक लीला स्मरण आदि करने लगता है। तो उसमें एक वो थोड़ा एक रागानुग भक्ति का ही पहलू है देखा जाए तो। हमारी केस में प्रभु इतना आप समझ सकते हैं कि इन सारे वर्णनों को सुन के हम लोग भगवान के बारे में, परमात्मा के बारे में ये ज्ञान प्राप्त करते हैं। लेकिन क्या हमारे विधि में इस प्रकार से बैठ के ध्यान करना वगैरह नहीं है? वो हम लोग सीधा अर्च विग्रह के पर जाके उनके सौंदर्य का दर्शन कर सकते हैं, उनको प्रार्थना कर सकते हैं, ये हमारा विधि है। क्योंकि अर्च विग्रह भगवान का फीचर है, भगवान है वो, परमात्मा जो है हृदय में वो तो परमात्मा है, लेकिन भगवान फीचर तो अर्च विग्रह। तो इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम, ये हमारी विधि है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो योगी की हो रही है, योगी की हो रही। तो स्पेसिफिकली आपने पूछा इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको कहीं कोई टेम्पल में दर्शन के बाजू में वो सारे श्लोक दिख जाए तृतीय स्तंभ के, जिसमें योगी कैसे मेडिटेट करता है अंगों पे, वो बात बोली है, तो आप उनको बोलो मत ए अरे हमारा मार्ग नहीं है करके, ऐसे मत बोलो उनको। बट आप जानिए कि यस वो हमारा मार्ग नहीं है, एक्चुअली वो अष्टांग योग का मार्ग है। मैं वो योगी बैठ के ऐसा भगवान के एक एक अंग पे ध्यान करता है, हम लोग सीधा डीटे पे ध्यान करते डायरेक्ट, दैट इज भक्ति प्रोसेस, ये अष्टांग योग की प्रोसेस ऐसे। तो आप इसका श्रवण कर सकते हो, लेकिन ये परमात्मा के सौंदर्य का श्रवण है, तो श्रवणम ठीक है। यस थैंक यू। सुकुमारी रीता माता जी। कृष्ण प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा मिलता जुलता ही था जैसा कृष्ण प्रभु जी ने पूछा अभी, कि अभी हम जैसे पढ़ रहे हैं कि परमात्मा का हम इतना वो कर रहे हैं कि उनके आंखें ऐसी सुंदर हैं, उनके उनके शरीर की सुंदरता के बारे में। अभी तक समझते थे कि योगी लोग जो परमात्मा पे ध्यान लगाते हैं उनका स्वरूप, मतलब वो स्वरूप की बात नहीं करते थे। तो अभी ये समझ में आ रहा है प्रभु जी, क्या ये मतलब ये सबके लिए यूनिवर्सली अप्लाई होगा कि जो भी परमात्मा फीचर है उनका विष्णु रूप होता है ऐसे करके, जो विष्णु परमात्मा का, परमात्मा जो है उनका विष्णु रूप होता है कि नहीं, ये प्रश्न है? जी जी हाँ, यस होता है ना। देखिए गर्भोदकशायी विष्णु, शिरोदकशायी विष्णु और महाविष्णु तीनों को भी परमात्मा बोलते, तीनों भी परमात्मा है, बस कौन किसका परमात्मा है ये बात। तो अगर आप पूरा कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन देते हो प्रकृति, तो उस प्रकृति का मतलब उसमें सब कुछ आ गया, उसमें वो विरजा नदी आ गई, कॉजल ओशन कारण समुद्र आ गए, उस समस्त कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन मतलब प्रकृति का जो परमात्मा है वो महाविष्णु। एक ब्रह्मांड का परमात्मा जो है वो गर्भोदकशायी विष्णु,
और ब्रह्मांड के बीच में एक एक जो जीव है, एक एक कण है, व्यष्टि बोलते हैं उसको, व्यष्टि, तो वो परमात्मा है क्षीरोदकशायी विष्णु। लेकिन क्या हम जब कहते हैं कि क्षीरोदकशायी विष्णु हर एक हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, मतलब क्या वो वहां पे क्षीर सागर पे लेट रहे उसके हृदय में? ऐसा नहीं है। क्षीरोदकशायी विष्णु करके वो विष्णु क्षीरोदक सागर में विद्यमान है, लेकिन वो उनका वो जो है एक विस्तार के रूप में जीवों के हृदय में रहे, और वो जो विस्तार है वो जनार्दन, उनका शंख चक्र गदा पद्म, खड़े है वो, खड़े वो, लेटे नहीं है। तो वो इस प्रकार से परमात्मा पे ध्यान किया जाता है। तो इसलिए क्षीरोदकशायी विष्णु का वो फंक्शन है परमात्मा, लेकिन जो हृदय में हमारे परमात्मा के रूप में है वो तो खड़े है, वो बैठे भी नहीं, सोना तो छोड़ दी, ऐसी बात है। तो इसलिए वही मेडिटेशन होता है अब योगी का, वो अपने परमात्मा हृदय में परमात्मा के रूप में खड़ा विष्णु देखता है, जनार्दन जो है वो, और उनके ऊपर मेडिटेशन करता है। शंख चक्र की पोजीशन भी फिक्स है, दाहिने हाथ में नीचे ही होना चाहिए कमल और ऊपर होना चाहिए चक्र, बाएं हाथ में नीचे होना चाहिए गदा, ऊपर होना चाहिए क्या बचा, शंख। तो ऐसे इस प्रकार से, ठीक है। मुझे अभी फिर लेटली ना साउथ में थोड़ा विजिट किया था अभी, तो वहां पे सब जगह विष्णु, जो पद्मनाभा है, जनार्दन स्वामी, वरदराज, तो मुझे अभी थोड़ा यही कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब वो लोग सिर्फ परमात्मा फीचर का ही वो उधर सेवा करते हैं, रंगनाथ। हाँ, तो बराबर है ना, अभी कौन सी ड्यूटी है यहाँ पे वहां पे उस पर देखना पड़ेगा। अगर आप क्षीरोदकशायी विष्णु कह रहे हो या जैसे रंगनाथ है, तो रंगनाथ है तो वहां पे तो निश्चित रूप से वो जो है इस पे शेष शय्या पे लेटे हुए हैं वो, तो वे सारे विस्तार जो है, देखिए उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग है कि वे जो वैकुंठ के महावैकुंठ के नारायण है ना, वही नारायण इस जगत में पुरुषावतार के रूप में आते हैं। तो इसलिए वो पुरुषावतार के रूप में भले ही किसी का आराधना कर रहे हैं, उनको पता है कि वो वैकुंठ के नारायण है, साक्षात महावैकुंठ के महावैकुंठ पति ही है वो, लेकिन इस जगत में कैसे है, तो पुरुषावतार में होते हैं वो ऐसे। तो इसलिए वो हमेशा हमेशा ही उस प्रकार की मूर्ति रहेगी कि जो शेष शय्या आदि पर लेते हैं, तो उस प्रकार से वो आप कह सकते हो कि वो पुरुषावतार की ही आराधना करते हैं ऐसे। लेकिन चूंकि वो पुरुषावतार अभिन्न है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है उनमें कि वही वैकुंठ के नारायण यहाँ पे इस जगत में पुरुषावतार करते हैं, ये बात। ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रुकते हैं हम लोग, तो अगले महीने में बचा हुआ ये पोर्शन खत्म करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथ श्रीमद्भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।